मुझे तो एनिक डोटली लोगों ने बताया कि टीटीपी के प्रॉपर बेसिस हैं जो वो कंट्रोल करते हैं एंट्री एग्जिट इन एरियाज इन द नॉर्थ नाउ एंड टीटीपी के जो स्ट्रॉग होल्ड थे मच बैक इज दैट ट्रू नहीं उसमें मैंने आपको बताया ना कि जो टेंडर हैं उनमें उनके शेयर्स हैं मतलब रिटर्न में है कि ये अग्रीड है कि अगर कोई भी इस तरह का सौदा हुआ या ठेका दिया है तो उस पर लोकल कमांडर को ये जाएगा तो वो क्यों कर रही है गवर्नमेंट बिकॉज दे दे कांट अफोर्ड दैट बॉम्बार्ड एवरी थिंग जो कि वो इन्वेस्ट करने जाएँ जहाँ पर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए दे नीड अ शेयर ये तो हम सोचते हैं ना कि ये शरिया के बारे में जंग हो रही है वो नोट के लिए कर रहे हैं ना उनको मिलता रहेगा सही रहेंगे वो असलम लास्ट टाइम जो हमसे लाहौर से मिस हो गया था उस दफ़ा हमने सोचा कि मिस ना करें आप लोगों के चहीदे पोलिटिकल कॉमेंटेटर कॉन्टेंट क्रिएटर फिलोसफर पाकिस्तानी नीचे हमारे साथ हैं लाइफ फ्राम बिहाड़ी सैयद मुजम्मिल शाह कैसे हैं बिल्कुल ठीक है आप, आप सुनाइए कैसे यहाँ सर ये कलर्स तो आपने वही पहने हुए हैं पर चैनल छोड़ दिया आपने चैनल इसलिए छोड़ दिया कि आपने लास्ट टाइम भी आगे अच्छा ग्रिल किया था कि यार यहाँ क्या कर रहे हैं आप तो मैंने खुश नहीं हुए जिन टर्म्स के ऊपर गया था वो यही था कि आई स्पीक माई माइंड और ऐसी कोई क्योंकि एक लोग ये बात समझते नहीं है मैं देख रहा था आपने जब क्वेश्चन के लिए पोस्ट लगाई उस पर भी काफी लोग बैश कर रहे थे कि ये सवाल करें पूछें इससे क्या कर रहा था वहाँ पे तो एक चीज़ ये है कि एज एन एनालिस्ट जब आप कहीं जाकर ज्वाइन करते हैं ना उसमें ये नहीं है कि चैनल की पॉलिसीज डायरेक्टली आपके ऊपर अप्लाई होती हैं क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप अपना एनालिसिस उनकी स्क्रीन पे बैठ के करेंगे दैट्स इट नथिंग एल्स बाकी ऑर्गेनाइजेशन में जो खबरें चल रही हैं पॉलिसी चल रही है यू डोंट ना तो इसीलिए मैं बात अपनी करने गया था और वही की है और उसमें मैनेजमेंट भी चेंज हुई रिसेंटली आपने सुना होगा उनकी mm -hmm. उससे काफ़ी बड़ा शिफ्ट भी आया डायमेट्रिकली ऑपोजिट ओपिनियंस भी हो गई कुछ लोगों की कुछ हायरिंग्स भी हुई कुछ फायरिंग्स भी हुई तो चेंज तो काफ़ी देखा है वहाँ पर लेकिन नौ मई के बाद से इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिर्फ वहाँ पर नहीं शायद और जगहों पर भी होता बट बोल में ज़्यादा मुश्किल था शायद उस टाइम पे क्योंकि स्क्रूटनी भी हो रही थी और उनके पास एक डिस्टिंक्ट ऑडियंस थी जो आपको पता है एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की थी इसलिए तो अच्छा था आई वाज वर्किंग वेरी इंडिपेंडेंटली मुझे कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये बात करनी है ये नहीं करनी और uh, काफ़ी इंजॉय किया उसको और जितना टाइम वहाँ पर गुजारा है लर्न अ लॉट बट हम कहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट के पास थोड़ा बहुत फ्रीडम होता है लेकिन हमें भी नज़र आता है कि आपका अगर चैनल है वो किसी को चपेड़ मार के बिठा देता है डो पीपल लाइक कामरान चाहे आई like like, नहीं, so, right? नहीं आप इतना तो रेडिकल शायद ना हो सकें लेकिन एनालिस्ट की जॉब इसलिए बेहतर है कि उसमें आपके सामने किसी को बिटाना नहीं है उसमें तो गेस्ट ही आप है ना तो मैंने शायद वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की ना मेरी उस पर कोई ओपिनियन है कि शायद ये किस तरह होता है मुझे नहीं पता कि कैसे गेस्ट आता है या क्या होता है क्योंकि मैं तो ख़ुद जाके अपना तजिया कर रहा था मैंने किसी के इंटरव्यूज़ उस तरह से नहीं किए क्योंकि मैं किसी और शो का पार्ट था एज एन एनलिस्ट तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ बहर रिसेंटली मीडिया में ये देखने में आया है कि दो तीन महीने जो शख्स गायब है वो अचानक स्क्रीन पर आके बाजियाब हो जाता है और उस्मान डार साहब का आपने इंटरव्यू देखा होगा के दो तीन महीने मैंने कर दिया कि मैं हॉस्टेज इंटरव्यूज नहीं इंटरव्यू <laughs> तो वो अचानक से जो है वो एंकर साहब के घर से बरामद हुए थे तो ये ऑब्वियसली इट्स ऑबली बेट अनफॉर्चुनेट एज वेल के इस पर कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर रहे और कोई कुछ नहीं कह रहा लेकिन मैं शुक्र है इस एक्सपीरियंस से फ़िलहाल तो नहीं गुजरा आगे का पता जो हो रहा है चले इस दफ़ा अगर ब्लिटेंट है कि एक शेपरॉन करके किसी को आप लेकर आते हैं गायब होने के बाद और तो चपेड़े करा के बिठा देते हैं ये तो बिल्कुल एनी और फेस है लेकिन इन द शैडोज हमेशा से ये होता नहीं रहा होता रहा है लेकिन तरीक़ाकार तो ये नहीं है ना क्योंकि आपको पता है टीवी इंटरव्यूज़ इस तरह से होना मुशरफ के टाइम से पहले तो प्राइवेट मीडिया था भी नहीं इस तरह से ना कि आप इतनी बड़ी मशीनरी है मीडिया की उसमें कहीं ना कहीं आप इंटीग्रेट कर लें किसी को उसके बाद से जो हुआ है उसमें ओपिनियन पीसिस क्रिएट करने के लिए साफियों को परसुएट किया जाता था कि यार आप ये बात कर दें या आपसे हमने ये कहलवाना है लेकिन ये आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट Uh, कि एक बंदा जो है वो गायब हुआ है अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स की वजह से और अचानक से वो इमर्ज किया है कहाँ से एक इंटरव्यूअर के सामने बैठा हुआ है और वहाँ पे वो एकदम से अपनी राय बदल के कह रहा है कि उस्मान डार ने तो ये भी कह दिया खान साहब शैतान है शैतान का रास्ता मैंने छोड़ दिया अब मैं अल्लाह के रास्ते पर चलूँगा तो अचानक से ऐसे तो नहीं होता ना इट लुक्स वेरी फिक्स एज़ वेल तो ये मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटड है और इसमें ये भी किसी की इंटेंशन नहीं है कि ये छुपाया जा रहा है कि नहीं ये लोग इस तरह से लाए गए हैं नो दे वॉन्ट इड टू बी एपरेंट सो दैट यू एंड मी यू नो वी गेट क्लैरिफाइड इन आवर माइंड्स के दिस इज हाउ इट विल बी फ्रॉम नाउ ऑन तो देर इज अ मैसेज विच इज़ वो कहते हैं ना इट्स सो ओवर इट्स कोवर्ट तो वो इतना ओपन है कि वो छुपा भी हुआ है लेकिन बता भी रहे हैं कि दिस इज़ आवर थिंग्स विल वर्क आउट हो भी नहीं और हर जगह हो हाँ ऑन प्रेजेंट तुम एक काला डाला हो इसमें <laughs> ये जो लोग हैं जिस तरह हमने पहले इमरान रियाज खान का शुरू शुरू में जब जूम पे की थी आई थिंक वर्ट का हम डिस्कस कर रहे थे कि यार अब अगर वो हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं बिफोर ही वेंट मिसिंग ऑब्वियसली मिसिंग और उसके तो हम कोई फेवर में नहीं हो सकते टॉर्चर के हम उसके फेवर में नहीं yeah. हो सकते बट अगर अब वो हकीकी आज़ादी की बात कर रहे थे विट बी तो लाइक यार मतलब आप पहले किसी और एजेंडा के लिए कर रहे थे हम अब आपके सपोटर इस वजह से नहीं बन जाएंगे सो पीपल लाइक दिस मतलब फवाद चौधरी हो गए शेख रशीद हो गए जो सालों साल गेट नंबर चार के बाहर खड़े रहे एजेंसी के प्रमोट करते रहे करते रहे उनके राइट्स इनफ्रिंज हों उनको उठाया जाए वो सब चीज़ गलत है लेकिन व्हाट डू यू फील अबाउट दिस आइडिया कि यार ये जो सारे अपॉर्चुनिस्ट थे जिनको लगा कि पीटीआई में हमारा वहाँ मौका है या तो मिलिट्री ने भेजा या इन्होंने खुद देखा कि यार हमारी सोशल मीडिया बन जाएगी खान के साथ खड़े होने पर एंड नाउ देव लॉस दैट एंड देर सिंग द रिवर्स ऑफ दैट हाउ डू यू सी इट डू यू फील लाइक इन नो नाउ वी शुड स्टैंड विद देयर नैरेटिव और नाउ डू यू फील लाइक कि भाई आप गए थे आपको जो मिलना था वो मिल गया अब आप दूसरी तरफ कर रहे हैं या आप लोगों का गेम है आई डोंट नीड टू यू नो कम आउट स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू देखें इसमें अगर ये कहा जाए जिस तरह से इमरान रियाज के बारे में बातें सुनने को मिल रही हैं बोला नहीं जा रहा स्टैमर कर रहे हैं इसके अलावा वो कहानियाँ जो उन्होंने सुनाई हैं एक तो वो कहानियाँ ना जो आप तक पहुँची होंगी आवाम तक पहुँची हैं लेकिन हमने तो क्योंकि साफियों के सर्कल में बैठते हैं तो वो भी सुनी हैं जो नहीं सुनाने दी जा रही हैं बताई गई तो वो ज़्यादा हॉरेबल हैं और उसको सपोर्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि एक सर्टन एम्पथी आपके अंदर होती है बेशक उस आदमी ने टी स्क्रीन के ऊपर आकर ये कहा कि अगर बलोच गायब हो रहा है तो सही हो रहा है कुछ तो किया होगा इसलिए हो रहा है तो अब इस पॉइंट पे हम भी वो कह सकते हैं बट वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस अगर हमने भी वही बात करनी थी तो फिर हमें हम और उस नैरेटिव में कोई फ़र्क नहीं रहा तो कुछ नूर के बारे में भी वो भी कहा था, कहा था कि वो उधर लेने क्या गई थी ऑब्वियसली तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें अब आकर आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है इन्होंने ये बात कर दी तो इनको एक्सटर्मिनेट कर दो इनको बेहड कर दो इनको मार दो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से तो इसमें यही है कि द लीस्ट वी कुड डू इज़ टू जस्ट से कि शायद अब ये लेसन लर्न कर लें अपना और साथ ये कि स्टेट भी सोचे कि इस तरह से अगर आवाज़ को दबाएंगे उससे आप, आपको भी नुकसान पहुंचेगा इंटरनेशनली भी नुकसान पहुंचेगा तो बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने जिस तरह से आपने यूट्यूब की बात की उसमें अवाम ये नहीं समझते लोग ये नहीं समझते और इस्टेबलिशमेंट भी ये नहीं समझती कि खान वॉज बेसिकली द नेम ऑफ़ एन इकानमी वो सिर्फ़ एक पर्सनैलिटी या उसके जो बिलीफ्स थे उसके लिए खड़ा हुआ था वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं अगर मेरे चैनल पर रोज़ के दो मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं महीने का मैं एक करोड़ रुपया कमा रहा हूँ और वो कमाई सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि एक पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप की सर्कुलेशन मेरी एक दिन की एक मिलियन है मुझे और कोई देखे या सर्च भी ना करे ना व्हाट्सएप से ही मैं वहाँ तक पहुँच जाता हूँ क्योंकि वो उन ग्रुप्स में मेरी इंटीग्रेशन है इसलिए अरे ये मैं जस्ट टू ऐड टू दैट अभी अदील भाई आए हुए थे ना पिछले टीपी लाहौर में तो उन्होंने कर्नल शेर खान की एक वीडियो बनाई थी यू रिमेंबर दैट वो पी टी आई मीडिया ने इतनी सर्क्यूलेट की दैट्स वेन आई रियलाइज द ट्रू पावर एग्जैक्टली मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के टिकटॉक टिक अकाउंट्स टिक में वो वीडियो लेकर उसको ब्लैक एंड वाइट करके उस पर सैड म्यूजिक चलाकर

ऐसी फॉर्चून के ऊपर बैठा हुआ जो महीने की डेढ़ दो करोड़ की फॉर्चून है और मुझे एक बंदा एकदम आकर कहे कि यार ये वाली बात छोड़ दो सो इट्स नॉट अबाउट वट आई बिलीव इन इट्स अबाउट एन एंटायर यू नो अ फॉर्चून जिससे मैं मिल्क करता रहा हूँ इतने साल तक और जिसको मैंने आगे लेकर भी चलना है मेरा एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसको मैंने मिल्क करना है तो वो लोग ये नहीं सोचते कि इट्स अ पर्सनल वॉर फॉर दीज जर्नलिस्ट एज वेल में बिल्कुल। कोई। तो वो, it, ये कोई ऐसी इनकम नहीं है जो के, क्या हम कहेंगल है या वो सब बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वो किस पॉइंट से आ रहे हैं उनके अपने भी सर्वाइवल की जो जंग है वो इसी खान साहब की जंग के साथ इंटीग्रेटेड है सो दे आर नॉट फाइटिंग फॉर खान साहब बट दैट इज थिंग एज वेल कि जो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ़ हक़ के लिए खड़ा हुआ है उसके पीछे इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा है और जो कि होना चाहिए ठीक है हमारे यहाँ पे मसला ये है कि रिपोर्टर्स के लेवल पे सहाफ़ियों को उठाते हैं अब वो वाला उठाना नहीं कह रहा मैं मतलब उनको इंगेज करते हैं और उनको एकदम से एक ऐसी चमकती हुई दुनिया नज़र आती है कि वो अपने बिलीव ही भूल जाते हैं उसके वजह यह है कि मीडिया इंडस्ट्री पे नहीं करती मीडिया इंडस्ट्री में सिर्फ एक छोटी सी एलिट है जो कि मिलियंस में सैलरी ड्रा करती है कैमरा मैन हो प्रोड्यूसर हो एडिटर हो रन डॉन प्रोड्यूसर हो इसके अलावा स्विचर पे जो लड़का बैठा हुआ है उसकी मैक्सिमम सैलरी पचास हज़ार से ऊपर नहीं जा सकती जो बेचारे फील्ड रिपोर्टर्स हैं उनकी मिनिमम तो वेज भी नहीं मिल रही और जो ओ एस हैं जिनको आउटसेशन रिपोर्टर्स कहते हैं उनको तो कहा जाता है कि आप पैसे हमें कमा के दें क्योंकि हमने आपको कार्ड दिया है जाके लूटो लोगों को और हमें पैसे भेजो हमने आपको सैलरी नहीं देनी तो लाहौर कराची इस्लामाबाद पेशावर के अलावा किसी शहर में रिपोर्टर को कोई चैनल सैलरी नहीं देता आप इन्वेस्टिगेट कर लें इसको एक रुपया भी नहीं उन्हें कहते हैं कि आपने इश्तहार ला के देने हैं ऐसे अखबार भी हैं जिनका महीने का जो रेट है वो होगा कोई पचास साठ हजार रुपए के उसको सप्लीमेंट कहते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ और कार्ड लेने की जो वैल्यू है वो है पंद्रह से बीस लाख लाहौर का एक बड़ा अखबार लाहौर के दो बड़े अखबार हैं इस वक्त जो पहला है उसका रेट 20 से 25 लाख है इस टाइम पे अब नाम लेना मुनासिब नहीं है जो दूसरा है उसका 15 लाख है एक तो मेरे रिलेटिव ने मुझे बिहाड़ी से कहा कि मैं कार्ड ले दें वहाँ से आपके जो है वो सोर्सेज होंगे ये वो मैंने बात की मैंने कहा वो साफ ही बनना चाहते हैं पैशनेट है पैशने उनका इंटरव्यू कर लें उन्होंने कहा इंटरव्यू नहीं नोट दसो किन्ने दिन देने मैं कहा वो कितना क्या रेट किया जब आप कह रहे हैं बड़े न्यूज़पेपर दीज आर न्यूज़पेपर्स दैट पीपल वुड नो इफ यू ऑब्वियसली आई मीन दे आर वन ऑफ द टॉप थ्री तो वो उन्होंने कहा जी मैं 2016 की बात बता रहा हूँ तो उन्होंने कहा पंद्रह लाख से शुरू हो रहा है मैं कहा पंद्रह लाख रुपया वो देगा आपको उन्होंने कहा हाँ जी वो देगा तो ये जब सूरत हाल होगी और अचानक क्या फ़ायदा मिलेगा उस पंद्रह लाख का वो उससे अपनी जो टैक्स वेजन करेगा बिजली का बिल नहीं देगा दुकान का पुलिस वाला नहीं पूछ सकता वरना वो कहेगा ख़बर लगवा दूंगा तुम करप्शन कर रहे हो सब खामोश हो जाएंगे दूसरी बात ये है कि वो ये करेगा कि अगर भत्ता माफिया कोई बैठा हुआ है या कोई ड्रग्स माफिया है तो उससे भी वो मंथली ले रहा है और पुलिस वाले जो है वो उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस भी ले रही है इसलिए इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएगा और लोगों के पास जाएगा भर्तियाँ भी करवाएगा अपना उसका पूरा कारोबार होगा उस पर वो आ, मीटर अगर बंद किया कुंडा लगाया हुआ है पुलिस नहीं आ सकती क्योंकि अखबार का कार्ड है उसके पास इसलिए सो इट्स इट्स अ सर्कल ऑफ़ ईवल विच इज़ गोइंग ऑन तो ये इसीलिए चलता रहेगा कि अगर उस उसफ़ी के पास कोई अल्टरनेटिव इनकम का सोर्स नहीं है तो फिर वो यही चीज़ें करेगा ना अगर अचानक से इस लेवल के सहाफ़ी को कॉल आती है कि यार आप हमारे साथ बात करें और आपकी जो है ना वो घर ये आपका जो है ना ये ठीक नहीं है हम आपको वहाँ घर दे देते हैं या आपको दो इंटरनेशनल टूर्स मिल जाएंगे तो आप आप तो भूल जाएंगे सारा कुछ कि क्या सियासत और वो सब कुछ तो अगर क्रिकेट में जिस तरह बात होती है कि स्पॉट फिक्सिंग को रोकना है तो पैसे देने पड़ेंगे क्रिकेटर्स को जो जो पहले बात हुआ करती थी साफियों को भी अगर कुछ नहीं मिलता और वो गुरबत के मारे हुए घर में बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते तो फिर वो इस

इसी तरह सहाफत में है कि उसमें तनख्वाह मिलती ही नहीं है मैं तीन चार इदारों में काम कर चुका हूँ जहाँ तीन तीन चार चार महीने की सैलरी नीचे लगी हुई है मैं तो शायद सर्वाइव कर जाऊँ लेकिन जिसने उस चालीस हज़ार पर तीन बच्चों को पालना वो तो मारा गया खुदकुशियाँ की हैं लोगों ने चैनल के ऑफ़िस के अंदर लाहौर में एक दफ्तर है जिसके चौथे फ्लोर से हमारे वहाँ होते हुए कैमरा मैन ने छंग लगाई थी क्योंकि तीन महीने की सैलरी थी वो कह रहा था मेरी बहन की शादी है दे दो मुझे उन्होंने कहा नहीं है जो करना कर ले तो रेगुलेशन नहीं है इसके अलावा लेबर ऑर्गनइजेशन इंगेज नहीं करती जो है वो जॉब सिक्योरिटी नहीं है ये सब कुछ नहीं है तो इसीलिए करप्शन प्रोन ज़्यादा होता है जर्नलिस्ट पाकिस्तान में क्योंकि आसान तरीका उसको अगर जब इस तरह का नज़र आता है वो सोचता नहीं है एक सेकेंड लगाता है उसको डील करने में इसमें ये भी तो फ़ायदा होता है मुझे अक्सर लोगों ने बोला है कि हम कुछ ये जो जर्नलिस्ट बहुत फेमस हो गए थे पिछले कुछ दौर में जैसे तो वो हमारे साथ काम करते थे सारी खबर पहले इनके पास होती थी तो शुरू में बोलो बड़े ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं इन्वेस्टिगेटिव सारी ब्रेकिंग न्यूज़ इनके पास होती थी वो वेरीफाई भी हो जाती थी अगले ही दिन फिर दे बोल नहीं ये तो सारे व्हाट्सएप पे आते थे तो अगर आपने वो एक कनेक्शन बनाया हुआ है कि मेरे पास डायरेक्ट खबर आएगी और वो मेरे पास आएगी और मैं ब्रेक करूँगा तो चैनल के लिए तो आप हीरो हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे पहली ख़बर आपके पास है। हाँ उसमें आप एक एक लिहाज से कहना चाहिए कि नगोसिएट करने के लिए एक ब्रिज भी हैं चैनल के और स्टेट के दरम्यान में ऐसे कुछ साफ़ ही हैं कामरान खान साहब हैं और लोग हैं जो कि जो बात कर रहे होते हैं वो पूरी स्टेट की पॉलिसी होती है हर कोई गौर से सुनता है इनको कि यार ये बात अब वाकई होने लगी है बिकॉज ये जहाँ से आ रहे हैं हमें भी पता है तो पूरा सिस्टम रिक किस तरह होता है कि अगर मैं और आप सहाफत करना चाहते हैं जर्नलिज्म करना चाहते हैं हम तारीख़ की किताबें पढ़ लेंगे हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को फॉलो कर लेंगे मैगज़ीन पढ़ेंगे ओपेट्स पढ़ेंगे यही तरीका है ना प्रोफाउंड बनने का या अच्छा बोलने का सोचने का लिखने का कि आप ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम करें लेकिन एक अल्टरनेटिव क्लास बाबे तजिया कारों की ऐसी है जिनके पास कुछ भी नहीं है सिर्फ व्हाट्सएप है जो आप बता रहे हैं आप उनको बीट ही नहीं कर सकते वो बैठ के टी वी कह देगा अगले हफ़्ते ये बंदा इसको नैब उठा के ले जाएगी वो सही हो जाएगा उसके क्लिप चलेंगे पूरा हफ़्ता चैनल पर कि देखें इन्होंने कहा था एक है कि के सबसे बड़ा तो वो बेंच मार्क मेरा ये नहीं है कि मैंने होमवर्क करके आना है या मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ध्यान रखना है मेरा बेंच मार्क है कि मैंने रहा ढूंढना है वहाँ पे स्टेट के अंदर मैंने पेनिट्रेट करके वहाँ एक बंदा ढूंढना है जो मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन टिप करे और मैं हिरो बन जाऊँ आके तो ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है मैं भी जब मेरा पहला एक्सपीरियंस जो एनालिसिस कर रहा है बोल के ऊपर इससे पहले तो मैं एंकर करता रहा हूँ ना शो को मॉडरेट करता रहा हूँ इसमें मैंने ये देखा कि बाकी लोग क्या कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब इस तारीख को नहीं आएंगे वो इस तारीख को आएंगे लंदन में एक मुलाकात होनी है वहाँ पर जाके एक बंदा उनसे ये बात करेगा देख लेना तो मैं सोच रहा हूँ कि ये फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस क्या होता है भाई एक चीज़ अभी हुई ही नहीं है आप उस पर डिबेट करी जा रहे हैं जो हालांकि जर्नलिस्ट का एनालिस्ट का काम ये है कि जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको ब्रेक डाउन करके आवाम को बताए कि वो क्या थे सिम्प्लीफाई करे लेकिन यहाँ पर ये यह हो रहा है कि अगले हफ्ते ये होना है मैं दस्ताओ जो करना कर लूँ तो मैंने कहा मैं ये कैसे करूं भाई मुझे नहीं समझ आ रही कि अब ये फ्यूचर का नॉलेज कैसे लेना है तो ये सारे पामिस्ट हैं बेसिकली जो हाथ पढ़ रहे होते हैं और जो बता रहे होते हैं कि ये हो जाएगा किसी की चिड़िया है किसी की एक, एक साफ ही उनकी चुड़ैल है इस तरह के लफ्ज़ वो हैं वो सारे ना तो वो कहते हैं उन्होंने मुझे आके बताया तो ये बेंच ही ये है एक जर्नलिस्ट का कि अगर उसने आगे जाना है फाइंड अ सोर्स And then, uh, get privileges from them. और वो बातें करें जो अभी हुई नहीं है जो हो चुका है उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है इस सिस्टम में भी ये सिस्टम है हमेशा से चलता आ रहा है uh, जब इमरान खान था उस टाइम लोग कहते थे यार यजया भी बुरी सेंसरशिप है बहुत बुरा टाइम है आई थिंक इट्स अनडेनाइबल दैट इट्स इवन वर्स टूडे दैन दैट टाइम बट बाई हाउ मच आई समीव फ्राम दी इन साइड हम ये तो कह सकते हैं कि यार पिछले भी कई दौर से ये तो बहुत बुरा है बट वो बहुत कितना है देखिए उसमें अगर पॉलिटिकल रिप्रेशन की आपने बात करनी है तो वो तो साहब का ना समझता हूँ इससे ज़्यादा था शायद या कंपेरेबल होगा ऐसा नहीं मैं कह रहा कि कंपेरेबल भी नहीं है क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स भी चल रही हैं और चीज़ें हो रही हैं उनके दौर में भी वन फोर्थ ऑफ द बुरोक्रेसी सर्विंग मैन पर मुश्तमिल थी जो कि मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए थे करप्शन भी थी सारी उस पर भी बात नहीं होती थी जिया साहब का बड़ा क्लोज एड जो है वो नॉर्वे में ड्रग्स स्मगल कर रहा था जब उसको पकड़ा गया ये हामिद हसनैन नाम था उसका तो उसको जब पकड़ा तो ब्रीफ केस से चेक बुक निकल आई जिया साहब के नाम की तीन मिलियन डॉलर्स का चेक जो है वो बी सी सी आई के नाम का एक बैंक बना था बहुत बड़ा स्कैंडल है ये ये मल्टाप बिलिय डॉलर का इनका एसिड बन गया था फिर इंटरनेशनल बैंक्स ने कहा कि ये बहुत ही शेडी इनकी ट्रांजेक्शन है इनको पकड़ें तो जितनी ही ज़्यादा बाहर से अमेरिका से पैसे यहाँ लॉन्डर हुए वो नाइन्टी परसेंट जो है वो, जो आए वो बीसीसीआई बैंक से आए जिसमें ज़िया साहब के अपने स्टेक्स भी थे और उनकी फैमिली के लोग भी जो है वो उसमें इन्वॉल्व थे उनको नौकरियाँ मिल रही थी पैसे आ रहे थे बहुत ज़्यादा तो उसका कोई हिसाब ही नहीं था तो करप्शन भी थी पॉलिटिकल रिप्रेशन भी था तकरीबन एमआरडी की मूवमेंट में आपको पता है हम भी बात कर चुके हैं आप भी कितने लोगों को उठाया हमारा कोड़े मारे और हेलीकॉप्टर से फायरिंग की मीडिया के ऊपर जो सेंसरशिप है उसमें मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ फर्स्ट क्योंकि तरीका कार बहुत मुख्तलफ हो गया पहले और था अब जो है वो बिल्कुल हाँ कह सकते हैं नाइन्थ मई के बाद जो एक अग्रेसिव स्टांस लिया है गवर्नमेंट ने उसके लिए एक प्रोटेस्ट उनको मिला कि ये देखें जी ये एक वायलेंस का एक्ट हुआ है और इसके बाद जीरो टॉलरेंस है अगर आपने थोड़ा सा भी डिविएट किया हमारी पोजिशन से सोन यू आर अ पीजिंग नाइन्थ मई बेसिकली तो आप बता दें कि आपने उस तरफ खड़े होना है या इस तरफ खड़े होना है तो अब उसमें लोग ये समझते नहीं हैं कि बात करो बोलो आके मैं तो यही कहता हूँ कि आपने हमसे ही बुलवाना है सारा कुछ अभी पंजाब यूनिवर्सिटी गया वहाँ एक बच्चा उसने सवाल कर लिया उठ के कि जी आपने सारी गुफ्तगु कर ली लेकिन नाम नहीं लिया उन किरदारों का जो कि सारा कुछ कर रहे हैं मैं कहा आपके मुँह में ज़ुबान नहीं है हर चीज़ हमसे ही बुलवानी है ताकि जो दो चार बार रह गए उनको भी जो है ना वो ख़त्म कर दें उनकी आवाज़ को पर्पज़ अगर ये है कि आप अपनी आवाज़ भी बंद करवा लें उससे क्या मिलेगा आज मैं खामोश करा दिया जाऊँ आप हो जाएँ कोई फ़ायदा होगा लॉन्गर रन कुछ नहीं होगा तो क्या बेहतर नहीं है कि हम थोड़ा इंटेलिजेंट स्टांस लें उसके ऊपर कि किसी तरह सर्वाइवल भी अपना इंश्योर करना है कि नहीं करना है तो ये चीज़ है कि अब आकर इट्स वेरी ब्लैक एंड वाइट करना है या नहीं करना बस ये है तो इसमें भी नुआंस तो है अब तो फॉर इंस्टेंस में हैसन न्याजी वहाँ पहुँचा हुआ है आपकी पार्टी के लोग पहुँचे हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स उसी दिन ये तो बंदा बोले ना बाद में एविडेंस फैब्रिकेट हो रहा है उसी दिन जब हो रहा था मेरे पास स्क्रीन आ रहे थे आपके पास भी आ रहे होंगे पी ग्रुप से जिधर बोला जा रहा था कि इधर जाओ ये जाओ फ्रॉम माय रीडिंग ऑफ दैट सिचुएशन पीटीआई लीडरशिप वाज अवेयर उनके पास प्लान था कि अगर इमरान खान को अरेस्ट करेंगे तो ये होगा वो इमरान खान की कंसल्टेशन उसके बगैर नहीं हो सकता सो माय पोजीशन इज दैट दे न्यू अबाउट इट पीटीआई प्लान फॉर दिस टू हैपन उनको लग रहा था इसके बाद कू हो जाएगा बिकॉज दे वर लिस्निंग टू पीपल लाइक मेजर आदिल राजा जो जो तो इस तरह की बातें करते थे कि भाई सारे कोर कमांडर खड़े हो गए कि हाफि साहब आपकी बात नहीं मानेंगे हथियार डाल देंगे खान साहब स्पीच में कहते थे कि फौजी घर जाते हैं तो उनकी बी तो ये एक डिलूजन बना हुआ था कू का जिस तरह बैरोवारी की भी आई बट आई हैव नॉट बिन टॉकिंग अबाउट इट फॉर द पास्ट फ्यू मंथ क्योंकि जब आप हॉस्टेज को लाकर उस्मानदार को लाकर ये बातें करवाते हैं तो इवन तो मुझे भी लगता है कि बात सही है लेकिन आप जिस तरह गन पॉइंट पे ये कन्फेशन दिलवा रहे हैं मैं उस नैरेटिव को भी नहीं सपोर्ट करना चाहता जिसमें मैं यकीन करता हूँ कि यह है क्योंकि आप उसको जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, मैं फंडामेंटली उसके खिलाफ कैंसिल हो जाती है ना अगर मैंने एक सही बात भी करनी है तो मेरा तरीका यह है कि किसी को ज़बरदस्ती बिठाऊँ वो करने के लिए तो क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देते हैं उसके बाद नौ मई का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें खान साहब को जब बेल मिली थी और उसके बाद आपको याद होगा जब उनको बिठाया हुआ था और पुलिस उनको लेकर नहीं जा रही थी वहां से कोर्ट से दोबारा उन्होंने कहा था कि मैं अब भी छः घंटे की डेडलाइन दे रहा हूँ मतलब वो नौ मई हो चुका था उस टाइम तक शाम तक हमले हो गए थे यहाँ वहाँ पे जना उस में उधर जीएचक्यू में और जगहों पे तब भी वो इसी मोड में थे डेड दे रहा हूँ सुनना है कि नहीं सुनना सो ही मिस कैलकुलेटेड इज पावर एक्चुअली उसकी वजह ये है कि पी की जो सारी लॉट है आई रिस्पेक्ट देयर पोलिटिकल लीनिंग एंड देयर एफिलिये एज वेल दे हैव द राइट टू डू पॉलिटिक्स एंड एक्टिविज्म टू बट दे एंट रेड हिस्ट्री उसकी वजह ये है कि उन्होंने इसी वजह से मिस कैलकुलेट किया उन्हें लगा कि जो इस बार हो गया है ना ये कभी भी नहीं तारीख में हुआ अब जो अवेयरनेस आई है कभी भी नहीं आई अब रिक्शे वाला गाली दे रहा है अब जो है ना टांगे वाला गाली दे रहा है इसीलिए अब जो आवाम खड़ी हुई है ये रेवोल्यूशनरी है तो हम उनको ये समझा रहे थे कि भाई इसमें ना ईंधन बनो आप भी मारे जाएंगे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा कोई आके पेशी पे आपको छुड़ाने के लिए भी दरख्वास्त नहीं देगा बाद में लेकिन उन्होंने मिस कैलकुलेट क्यों किया क्योंकि उनको लगा कि, कि, कि अनप्रेसिडेंटेड तहरीक है उन्होंने नहीं देखा कि पहले क्या होता रहा एम में और जगहों पर लोगों ने खुद सोजियाँ कहीं आगे लगाई अपने आप को यार क्या कुछ नहीं किया ख़ुदकुशियाँ कं क्या कुछ नहीं किया तो ये अगर उनको पता होता कि एक सत्तर साल से एक पैटर्न है कि लोगों ने इस तरह से कोशिश कर ली है अलजुल्फिकार बनी एज ए, ए, ए जी ओ जिसको कहते हैं प्लेन हाई जैकिंग करके देख ली ठीक है इसके अलावा एक मिसाइल भी फायर किया से आके जहाज़ के ऊपर नहीं लगा उसको इतने आगे तक गए वो क्या मिला उनको कुछ भी नहीं जो तो हमले उस पर भी हमले हो चुके हैं तो ये है कि यू कैन नाट फाइट द स्टेट नॉट नाट ओनली इन पाकिस्तान एनी वेर इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट अब आकर जिस तरह की जो है वो स्टेट्स बन चुकी हैं जो कि इवन साउथ एशिया में तो ड्रकोनियन स्टेट्स हैं ना आप हिंदुस्तान में अगर आप देखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की सूरत हाल <coughs> बांग्लादेश में देख लें क्या है वहाँ नाइन्टी परसेंट रिज़ल्ट आता है इलेक्शन का अगर कोई फ्री थिंकर ब्लॉगर है उठा के ले जाएंगे मीडिया को बोलने नहीं देते वैसे वो अच्छा कर रहे हैं इकनॉमिक फ्रंट पर और जगहों पर लेकिन ये एटीच्यूड है यहाँ पर चाइना में देख लें क्या हो रहा है तो ये आप अगर ये सोच लें कि मेरे पास एक जरनेल का रबता है कू हो जाएगा पाँच छः उसके साथ मिल जाएंगे इट्स नॉट दैट सिंपल नहीं सोचा खुल के बोलूँ तो मुझे लगता है इमरान खान ने एक ही दफा सच बोला है आपको याद है जब ये शुरू शुरू में धरने कर रहे थे तो उनके अंदर एक स्पीच लीक हुई थी जो वो बैठे हुए थे दोस्तों बोला कि जब कुछ लोग बाहर आते हैं ना तो इन लोगों के जी, 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 लंडन में कहा था उन्होंने ये? नहीं नहीं इधर ही था वो बैठे हुए थे कमरे में पीटिया का झंडा लगा था जो सारे जलसे हुए थे वो म के लिए नहीं थे वो इसलिए नहीं थे कि हम लोग आ जाएंगे दैट वॉज कि इनका पेशाब निकल जाए देख कर जी। वो कभी भी टेन मिलियन लोग नहीं आ सके जो वो चाह रहे थे वो एक भी दफ़ा आ जाते तो बिल्कुल इससे आधे भी आ जाते यार पलट जानी थी बाजी वो नहीं हो सका सो देन दिस वॉज लाइक अ डाई कि देख लेते हैं और वो देखिए हाई स्टेक गेम थी ना अब अब इस्लामाबाद के बारे में तो ये कहते हैं कि आप पचास हज़ार लोग सड़क पे ले लें बंद हो जाएगा मतलब वो चौक हो जाएगा उसके बाद मनवा लें जो मनवाना है यहाँ तक बात करते हैं हैदराबाद में कितने लोग थे यार बिल्कुल टीएलपी ने करके कि दिखाया लोग हार भी नहीं थे शायद जी जी टी ने भी ऐसे करके दिखाया कि पाँच छः हज़ार का क्राउड लाए हैं और बाद में आपको वो एग्रीमेंट ला जनरल फैज़ के साइन वाला मिलता था कि ये लें हज़ार रुपया भी लें आराम से जाएँ घर तो ये उन्होंने ये सोचा जिस तरह से पहले म्यूटनीज हो चुकी हैं जिया साहब के अंडर भी हुई थी एक ठीक है और और वो भी इंटरेस्टिंगली ये थी कि वो कुछ एक मुझे वो नाम भूल रहा है जो आ, एक बेसिक जो प्रोटैगनिस्ट थे उसके तो उनका ग्रीवेंस ये था कि ये असल इस्लामी हुकूमत नहीं है वो भी नहीं है इससे ज़्यादा होनी चाहिए वो हम ले कर आएँगे ना बेसिकली तो उसको भी क्रश कर दिया और को कर दिया तो ये है कि आप अगर ऑल आउट वॉर पर चले गए हैं उसमें या दूसरा रहेगा या आप रहेंगे तो ये तो कैलकुलेटेड रिस्क था और एम फॉर द किंग मेक श्योर यू डोंट मिस एग्जैक्टली सो वट वी कुड से राइट नाउ इज अगर पॉलिटिकल फ्रीडम इंश्योर होगी तो स्टेट की क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी हमारी आपकी तो नहीं ना होगी अगर बल्ले का निशान होगा ही नहीं इलेक्शन के अंदर तो उसका नुकसान सिर्फ पी को नहीं है ओवरऑल सिस्टम की लजिटमेसी को भी है अगर आप ये कहते हैं कि चले ठीक है ख़ान साहब तो डिसकॉलीफाई हो गए ना उन्होंने तोशाखाना कर दिया उन्होंने वो जो साइफ़र केस था उसके अंदर भी उन्होंने वैसे ये हरकत तो कर दी कि मेरे से गुम गया

फिर तो आप बोले कि हाँ यार अगर आप साइफर पढ़ रहे हो ये तो इलीगल होना चाहिए इस पर केस होना चाहिए लेकिन मुझे ये भी पता है ये केस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्टैब्लिशमेंट से फॉलोइंग आउट हो है ऑब्वियसली अब मसला यही वही बात है लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो फॉरेन फंडिंग केस है वो नौ साल चला है नौ साल पहले तो किसी को पता नहीं था कि अकाउंट्स इलीगल हैं पता था लेकिन जैसे ही आप पोलिटिकली अनएक्सेप्टेबल होते हैं तब केस खुलते हैं आपके अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो स्टील मिल का केस है बड़ा सॉलिड केस था इत्फार्ण वाला इत्फार्ण फार। 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 मैंने खुद पढ़ा उसकी डिटेल सारी उस पर बात नहीं हुई लेकिन पैनमा लीक्स बाहर से आया तो उस पर रगड़ दिया उनको पकड़ के और वो कह दिया कि नहीं आप करप्ट हैं पहले सही था ये इसी तरह इनके ऊपर है कि साइफर वगैरह हर चीज़ बाद में याद आई ना तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो तो लोगों समझ में आए हम करप्शन 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 करते रहते हैं करप्शन होती है ये नहीं समझे प्लीज डू टेल पीपल द केस बट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग इन्होंने वो करप्शन की है जो हर इंडस्ट्रियल करता है इन्होंने माफ लोन्स माफ़ करवाएं लोन्स लिए बैंकों से और फिर वो माफ़ करवा दिए इस पर अगर ये पकड़ेंगे तो फिर आपके और भी बहुत अमीर लोग हैं लीड लोग हैं जिन्होंने यही हरकतें की हैं प्रेसिडेंट बन जाएगा ना सो देन यू द अंडरस्टैंड्स कि ये जेबों में डालकर डॉलर लंदन में अपार्टमेंट नहीं लेते ये तरीका होता है करप्शन का ताकि आपको समझ में आए और फिर आप रिकनाइज कर सकें बाकी सब ये ये लोग होने नहीं देते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा इतना कमा सकते हैं कि उसके लिए वो कुछ साबित भी नहीं हो सकता लैस ये कि मैं अगर गवर्नमेंट में बैठा हूँ पंजाब गवर्नमेंट में या लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑनबोर्ड है मेरे मुझे पता है कि ये एक पंजाब यूनिवर्सिटी के पास एक सड़क है जो हुआ भी यहाँ पे कि ये ना इसकी फिजिबिलिटी आ गई ये दो साल बाद बननी है मैंने कुछ नहीं करना मैं प्लॉट ख़रीद लूँगा साइड वाले उसके ख़रीद लिए मैंने दो साल बाद प्रोजेक्ट शुरू हो गया उसकी वैल्यू टेन परसेंट नहीं हंड्रेड परसेंट ऊपर चली गई पैसा मेरी जेब में कौन सी कोड पकड़ सकती है इसको सर आपको पता है कराची में लोग इससे भी ज़्यादा कंट्रोल से ये काम करते हैं लैंड लेते हैं फिर अपनी पोजीशन यूज़ करके उसको कमर्शलाइज करवा देते कर, हैं बिल्कुल तो ये वो करप्शन के मियाँ साहब ने कहा था ना ये हैं वो जरा तो ये वो ज़रा हैं जिसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज करना भी मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट्स इट्स सो हिडियस कि आप कैसे कुछ सब्सटानशिएट करेंगे कि इसमें से इस इसने पैसे लिए और वो जो कवरिंग कंपनीज़ बनाई हुई हैं किसी और के नाम पर असल जो बेनिफिशरी है उसका पता भी नहीं है कहीं दूर दूर तक तो बेसिकली तो यही था कि ये चीज़ें क्या खान साहब के दौर में रुकी नहीं रुकी बिल्कुल बल्कि मालिक रियाज वाला केस क्या है एमनेस्टी जो दी इसके अलावा तो चलेगा आपने इंडस्ट्री के लिए फेवर करने वो वो पर्सनल कनेक्शन नहीं है चले पॉलिसी हो सकता है आप डिफेंड कर सकते हैं वे मलिक रियाज वाला तो सीधा आपने एक दिखाई बगैर बिल्कुल उन्होंने कहा लिफाफा खोलना नहीं है और फिर उस आदमी ने आपको फायदा दिया अब इसमें क्या करप्शन है <laughs> तो ये है कि मतलब ये सारा कुछ देखने के बाद खान साहब का मैं, मुझे लगता है प्रॉब्लम ये रहा कि जब उन्हें ऑफर किया गया क्योंकि पीडीएम से जब उनके मुजात हो रहे थे तीस अक्टूबर की तारीख इलेक्शन की अग्री करके शाह महमूद ने फोन किया खान साहब को कि अब हम डन कर रहे हैं उन्होंने कहा तो अब इस पर तो क्या कह सकता हूँ तो इसके ऊपर फिर ये था कि उनको ये दोबारा ये मिस कैलकुलेशन ऑफ पावर है कि तब भी किसी हद तक बारगेनिंग पोजिशन में थे बट उसके बाद आपने देखा पंजाब पुलिस आती थी तो मार के भगा दिया करते थे जमान पार्क से शेलिंग की सब कुछ वो स्टेलमेट हो गया लोग मार रहे हैं वो भी आगे से मार रहे हैं सर्च वारंट लेके आ रहे हैं नहीं जाने दे रहे अरेस्ट वारंट लेके आ रहे हैं कह रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से तो अगर इसी तरह है तो फिर अल्टीमेटली स्टेट की पावर ने वो वैक्यूम फिल तो कर, कर, कर लिया है, इस है, ना। की जो मीडिया है तो मैं इतना क्रेडिट देता हूँ अब तक ये पी एम एल एंड पी पी वी वाले समझे नहीं है, है। इमरान खान वॉज अपडेड अरेस्टेड नहीं बोलते अपडकटेड और वो इमेज भी ऐसी है कि आप देखें यार तोड़कर इस तरह थोड़ी लेके जाते हैं खैर मैंने तो क्रिटिसाइज किया था उसको बिल्कुल ठीक है यार कैसे अरेस्ट करें आप इमरान खान को आप तमीज से जाएं तो आप उन पेट्रोल बम मारना शुरू कर देते हैं चीज़ें सो so, कोर्ट तक में जब उनको बोला आप पेशी दे दें वो दरवाज़ा तोड़ कर आ गए तो बोला गाड़ी से नहीं उतरूँगा जबकि जजेस जुडिशल कॉम्प्लेक्स आ गए कि सर आप कोर्ट नहीं आ रहे हम आ जाएँ

उसमें रेंजर्स की जो मौजूदगी थी वो कंट्रोवर्शियल ज़्यादा हो गई कि वर्दी में आए और उन्होंने किया जो डोमेन नहीं था टाप टाप के कोर्ट के अंदर से अनीफा बासी को खींच के अरेस्ट किया थे उसके अलावा तो किसी को वो कहते हैं कि सफ़र तो किया ही हमने मियाँ साहब की तो डिसकॉलीफिकेशन ठीक थी सरदारी साहब को दस साल गुजारने पड़े ठीक थे हमारे गलत हैं वो तो उनका एक वो सेंस ऑफ हिस्ट्री डिफरेंट है ना वो तो चलती कहीं और से है बहरहाल बाद में ये करना चाह रहा था कि खान साहब को जो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था जो नहीं किया वो ये था कि अगर मैं कुछ साल नहीं भी हूँ तो पार्टी के सर्वाइवल के लिए मैं कुछ कर नहीं किया उन्होंने कहा इधर इट्स मी और द पीटीआई डज नॉट एग्जिस्ट टी हाँ। पीटीआई है ही, ही नहीं मेरे अलावा बाकी पार्टीज ने क्या किया कि जब लीडरशिप पे मुश्किल वक्त आया दे मूव्ड आउट पार्टी सर्वाइव्ड गवर्नमेंट में भी आ गई इवन नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब यहां थे किसी हद हाँ तक और लीडरशिप थी पीपल्स पार्टी में बेनजी साहिबा की गैर मौजूदगी में कुछ ना कुछ चलता रहा यहां पर उन्होंने यह कहा कि नहीं अगर मैं कैंडिडेट नहीं हूं नो नगोसिएशन करनी नहीं है तो अब उससे यही है कि फिर उनकी ना अली का मतलब ये है कि पीटीआई तो सिस्टम से ही बाहर है बिकॉज़ वो शाह महमूद को करने दे ही नहीं सकते या वो किसी और को कैंडिडेट मान सकते ही नहीं हैं तो इतनी पर्सनैलिटी और अगर ये चीज़ है तो मुझे तो मुश्किल तो तो लग रहा है अगले डेफिसिट भी तो है ना कि अब इमरान खान को अगर लगता है कि शाह महमूद क्रैशी एजेंसी से करीब है असद उमर एजेंसी से करीब है फवाद चौधरी एजेंसी से करीब है तो उनको ये भी तो डर लगता है ना कि यार अच्छा चलो अब इस तरह जुल्फिकार अली भुटो के साथ जो कुछ लोग हैं ज्याल के साथ जुड़ गए थे ये भी तो हमारी हिस्ट्री है ना सो पी एम एल एन मे बी डिट सर ख्वाजा साफी ख्वाजा आसफ़ जिन्होंने छोड़ा नहीं बिल्कुल और, और उनको कॉन्फिडेंस भी मिला ना लीडरशिप से कि ठीक है आप करें सियासत अपनी अगर उनको ये कह दिया जाए कि मैं नहीं हूँ तो फिर आपने भी लड़ना नहीं है या शायद का काना बासी वज़ी अजम बने बने ना खान साहब तो कभी भी ये होने नहीं देंगे कि उनके बगैर कोई और वज़ी अजम बन जाए पी टी आई से आ जाए इम्पॉसिबल ही वॉन्ट लेट इट हैपन उन्होंने शायद का खान को भी बना के देख लिया जो है शहबाज शरीफ साहब बन गए हालांकि वो जिस तरह चला रहे थे कहा जा रहा था नवाज शरीफ साहब तो अनबोर्ड ही नहीं है ने ने बोला ना कि नून नून नहीं निकल सकता, नहीं निकल शीन सकता। ने नून की टी शर्ट पहनकर तो ये है कि दुनिया वो बड़ी वेस्ट की मिसालें भी देते हैं लेकिन वेस्ट में पर्सनैलिटी ओरिएंटेड पार्टीज तो इस तरह नहीं होती ना अगर क्या है? प्योर डेमोक्रेसी है नहीं अगर वो ट्रंप रूल कर भी लेस ले से दो टन और ले गया वो फिर दोबारा आ जाएगा दस साल बाद या पंद्रह साल बाद आएगा दोबारा या पार्टी को टेक ओवर कर लेगा रिपब्लिकन्स मेरे हैं आज से टिकट मैं बांटूंगा ये तो नहीं हो सकता ना यहाँ पर तो ये चाहते हैं कि इस तरह की एक मोनार की बन जाए जो पार्टी है कि टिकट भी मैंने देनी है जो लॉयल्टी की बेस पर देनी है जो एडवाइज़र्स खान साहब के करीब आ गए एंड पे वो कौन थे सर पैराशूटर्स थे बेसिकली मुसरत जमशेद चीमा ये लोग ये देवर नॉट पी पीपल ना जो जनवन थे वो साइड पे हो गए इन्होंने मरवा दिया आके कि नहीं आप बोले हैं आप ये कहें सर दो छः के अराउंड की खबर है कि जो पी के सारे फाउंडिंग मेबर्स थे उन्होंने पी के चार्टर के तहत बोला कि यार इमरान खान को हम हटा रहे हैं या हमारा हक हाँ है हम सब बैठते हैं उन्होंने बैठ कर डिसाइड किया कि यार यू नो लीडरशिप इज़ नॉट फिट वी शुड चेंज पीटीआई के फाउंडिंग सारे मेंबर अपने चार्ट उन सबको निकाल, निकाल दी निकाल दिया अब और लोगों के साथ अकबर अस बाबर का केस देख लें यहाँ पर फाउंड ऑफ पी फाउंड फौजिया कसूरी का देख लें उसका मैंने इंटरव्यू किया तो उनका ये कहना था कि yes ये जो उन, उनका भी, बिल्कुल तो वो फॉरेन फंडिंग वाला जो सीन है उस पर अकाउंट्स की तीन चार सवाल करने की गुस्ताखी की थी उन्होंने और वो साइड पे कर दिया गया बहरहाल ये सब कुछ होने के बावजूद आई पी पी की तरह की पॉलिटिकल आउटफिट्स बना लेना जो बनी है जहांगीर तरीन साहब के अंडरली इट इज़ अ जोक बेसिकली क्योंकि बेसिकली आप मुझे बताएं इनका वोट बैंक कहाँ है या क्या अपील है वो तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वी डोंट बिलीव इन एजेंडाज और पता नहीं क्या हमारी कोई पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है हम प्रैक्टिकल पे यकीन पर जहांगीर तरीन ए टी एम इज और क्या है यही जहांगीर तरीन जब अपने ए टी एम खान के लिए यूज़ कर रहे थे और इलेक्टेबल्स खरीदते थे, थे हम उनको बड़ा एक हीरो समझते थे तो वो अपने इलेक्टेबल्स खड़े होकर एक स्पॉयर बनना चाहते हैं आई डोंट थिंक इज़ वाइंग फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप नॉट एट मिनिस्टर शेपर वाइंग टू बी पी एम एल क्यू टू बी अ प्रेशर ग्रुप जो कि आठ दस सीटों का जो उनके कंधे के ऊपर बोझ आएगा ना गवर्नमेंट के वो ये डिसाइड करें कल को क्या चलना है क्या और ने? क्या और आठ दस सीटें खरीदना जहाँगी तरीके मुश्किल है नॉट वेरी डिफ़िकल्ट यार लेकिन पीपल्स पार्टी का इस पर ग्रीवेंस है क्योंकि लोग कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के साथ ये अग्री हुआ था कि जो लोग भी पीपल्स पार्टी छोड़ के पी टी आई में गए हैं वो वापस आएंगे लेकिन वो इन्होंने एक बफर बना लिया बीच में फिर साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी एम कर रही थी कि वहाँ से 10-12 सीटें हमने निकालनी हैं वहाँ भी आई पी पी को खड़ा कर दिया गया अब आज़ाद उम्मीदवारों के लड़ने का प्लान बन रहा है वहाँ पे कि वो आज़ाद लड़ेंगे और जो जीतेगा वो बाद में रूलिंग पार्टी में शामिल हो जाएगा दूसरी चीज़ पीपल्स पार्टी से क्या डिसाइड हुई कि बलोचिस्तान मामी पार्टी जो बाप पार्टी है वो आपके साथ आएगी नहीं आई वो तीसरी चीज़ क्या डिसाइड हुई कि जो जी है सिंध के अंदर उसके भी जो इम्पोर्टेंट मेम्बर्स हैं आएंगे नहीं आए इनफैक्ट मरियम वहाँ जाके कैंपेन करना शुरू हो गई रिसेंटली तो पीपल्स पार्टी फील्स दैट देर इज़ अ डिसेप्टिव मोड टेकन बाय द स्टेट जो उनको अग्रीमेंट्स किए थे जो माना था कि ये ये करके देंगे नहीं दिया इसीलिए अब वो बात कर रहे हैं नबे रोज़ में इलेक्शन ये वो अदरवाइज आपको पता है कि जो सेंसस की रिपोर्ट थी दूसरी और uh, उस पर जाके जो वो सी सी आई की मीटिंग थी बेसिकली उस पर साइन है पीपल्स पार्टी के बेसिकली अगर आपको था कि इलेक्शन नबे रोज़ में होने चाहिए आपने अलेवन्थ और के ऊपर पाँच दिन पहले रेजिग्नेशन के ये क्यों कहा कि नई मरदमशुमारी करें तो ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ हो गया वैसे लोग कहते हैं जरदारी साहब बड़े सॉक्रेटीज़ हैं पॉलिटिक्स के लेकिन यहाँ मार खा गए वो ये आ, इंडिया की कोई क्लिप थी कि किसी और इंडिया की थी कहीं और की थी किसी औरत ने जाके पुलिस में लिखा कि यार मैं ड्रग्स खरीद रही थी और मेरे ड्रग डीलर ने मुझे पैसे लिए और मुझे ड्रग्स नहीं दिए तो प्लीज़ उन्होंने पागल हो तुम तो मेरे रिपोर्ट लगवाने आई हो पीपीपी का वो वाला हिसाब है कि करें अगर आप डील कर रहे हो इंस्टीट्यूशन के साथ अब आप अगर क्लेम बताएंगे कि जी ये ये बात हुई थी तो क्यों बात हुई थी असल तो आपसे ये सवाल बनता है ना कि क्यों हुई थी तो वो आई थिंक तो आप अलम बरदार बनते हैं हैं हाँ। और डीलें कर रहे आप, आप देखें जो कराची का इलेक्शन हुआ है इलेक्शन वो मेरा ख्याल है बुलडोज किया है वो तो उस पर कोई भी लजिटमेट एक्सप्लेशन नहीं हो सकती कि तीस जो मेंबर्स हैं उनकी लोकेशन जो आ रही है जो जीपीएस पे वो एक ही घर की आ रही है उस टाइम पे जब वोटिंग हो रही थी और बाद में एकदम से उनको कुंडी खोल के ना जैसे छोड़ते हैं जानवरों के जाओ अब भाग जाओ कुंडी ना हाँ वो कुंडी खड़काई नहीं उस टाइम किसी ने ना उनकी तो अगर इसके बाद आपने ये क्लेम करना है कि हमने अब ये वॉर लड़नी है डेमोक्रेसी की तो मैं तो इसीलिए लोग कहते हैं जी आप नायलिस्ट बन गए हैं आप किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं किसको वोट दें आप बताएं जो कि अब सर्ड क्वेश्चन है मेरे आपसे होना ही नहीं चाहिए इसी तरह कि मैं पूछूं कि मैं क्या खाऊं आप बताएं मैं पहनूं क्या आप बताएं पूरे पाकिस्तान से आप भाई फिर कैंडिडेट कौन है मुझे तो बताओ मैं तुम्हारी गली का कैंडिडेट कौन है कोई अगर मुझे पूछे अच्छा यार मैं विहाड़ी एन ए वट एवर वन फिफ्टी सेवन से हूँ ये तीन लोग हैं बंदा एक्सपेक्ट भी कर सकता है अच्छा यार कोई आप एनालिसिस मांग रहे हो मैं पूरे पाकिस्तान में तुम्हें बता दूँ किसको वोट देंगे वही ना हर जगह जाके ये सवाल होता है अच्छा ठीक है आप इनके भी खिलाफ़ हैं फिर किसको वोट दें इट्स दैट सस्पेंशन ऑफ रियलिटी रियालिटी राइट लाइक इमरान खान सेट मत देखो भला देखो क्यों क्यों ना देखो मैं कैंडिडेट अगर आप मियाँ मिठू को ले रहे हैं पी पी टी आई में मैं क्यों ना देखूँ कैंडिडेट लोगों ने जाया जा के आमिर लियात को वोट दिया था वो तो परवेज़ लाई भी उनको कबूल हो गया था क्योंकि बल्ले से था इसलिए तो वो तो वाकई मसला नहीं है पर्सनैलिटी और पार्टी है लेकिन मैं तो लिटरली uh, मुझे नज़र नहीं आता कि किस वजह किस बुनियाद पर अगले इलेक्शन में किसी पार्टी को वोट किया जाए आई पी पी को कर दें नहीं कर सकते ठीक है जो छोटी लेफ्ट की पार्टीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी शायद ना हो उस जगह पर जहाँ मेरा वोट है या और जगहों का है वो भी आपके पास ऑप्शन नहीं है ठीक है पीपल्स पार्टी की सूरत हाल मैंने आपको बता दी नून लीग की सूरत हाल आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो कि दो हज़ार सत्रह अठारह में उनका नाम लेना एक जो है ना वो गुनाह कबीरा था मैंने आसमा जागीर कॉन्फ्रेंस अटेंड की दो हज़ार उन्नीस में वहाँ पर क्या होता है कि मियाँ साहब का खिताब था एंड पे ना तो बड़े प्रोमिनट लॉयर्स पॉलिटिशन्स बैठे हुए हैं और अचानक से ख़िताब से दस मिनट पहले लाइट बंद होती है लाइट आती है प्रोजेक्टर की तारें कटी हुई हैं और so वो आकर वो, वो आई टी वाली टीम को बुलाया वो कह रहे हैं कि ये तो कनेक्शन ही जो है ना कोई काट गया है <laughs> तो उन्होंने कहा कैमराज नहीं है आपके पास उन्होंने कहा नहीं कैमरा में तो कुछ नहीं आ रहा अच्छा बाद में हमने फोन निकाले तो वो ऊपर सिग्नल नहीं है मॉल रोड पे खड़े हुए हैं आस पास जैमर लग गए बंद क्या वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ का ख़ताब नहीं होना चाहिए अगर वो आ गया यहाँ पे लोगों को उसने अपनी बात सुना दी बाजवा का नाम ले लिया तो मसला हो जाएगा इसलिए आज वो मियाँ साहब के आने के लिए एक वो क्या कहते हैं ना कि वो रेड कारपेट बिछे और कहा गया कि जी बेल भी मिल गई तीन दिन पहले अचानक से अदलिया को होश आई कि नहीं ज़्यादा हुई थी इसके साथ उसके बाद में ये भी कहा गया कि जी अब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की गारंटीज़ हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे जब तक मियाँ साहब वापस नहीं आएँगे uh, जलसे में जिस तरह लोग आते हैं वो भी आ गए सब स्टेज सेट हो गया और आज कहा जा रहा है कि अब आप सोचेंगे जो मियाँ साहब पहले थे वो अब खान साहब हैं उनका नाम नहीं लेना आपने तो उनका भी आपने केस देख लिया किस बेस पे उनको सपोर्ट करें आई वॉन्ट प्रीच दैट कि आप ठीक है इनको चूज़ कर लें जो शहबाज शरीफ साहब ने डेढ़ साल किया है आई कॉन्ट फॉर गेव एम फॉर दैट एट ऑल जिस तरह की वो लजिसशन बुलडोज करके गए हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो उनके ऊपर धब्बा है मैं समझता हूँ कि सारी ज़िंदगी अगर कोई भी सोचने वाला इंसान है उसको इनके पोलिंग बूथ पे जाना भी नहीं चाहिए आप खुद लिख कर दे रहे हैं कि भाई जिसको जहाँ से मर्जी उठा लो कोई वारंट नहीं चाहिए अपनी तो आपने लजटे सारी हैंड ओवर कर दी ना स्टेट को फिर आपने एक और लजिस्लेशन पास की जिस पर इतनी डिबेट नहीं होती वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट था पूरे पाकिस्तान में कोई भी ब्यूरोक्रेट अगर आपने यहाँ से वहाँ करना है उसके लिए इंटेलिजेंस की क्लियरेंस चाहिए शहबाज शरीफ ने साइन कर दी है ऊपर तो किस बेस पे इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं अगर सारा इकतदार आपने किसी और को दे दिया नादरा का चेयरमैन आपसे लगा नहीं आपको नादरा का चेयरमैन भी सिविलियन नहीं मिला ठीक है वो भी आपको कहीं और से लेना पड़ा तो फिर आप आपका क्या बैकबोन क्या है आपकी मैं कैसे आपके ऊपर रिलाय करूं कि आप मेरे फैसले करेंगे जाके जब आपने अपने सारे फैसले करने का इख्तियार किसी और को दे दिया है तीसरा केस है पीटीआई का वो भी आपके सामने बेशक सिम्पति वोट उनके साथ होगा ठीक है खान साहब को जेल में डाला हुआ है ये सातवें वजीर यादमें जो जेल गए हैं पहले नहीं है ठीक है बाकी भी जेल से निकल के आया ना मियाँ साहब का ए उतारना था इन्होंने आप खुद साइकिल मांग रहे हैं मिल भी रही है इनको साइकिल जी मिल गई है डाले पे रख के लाए हाँ वो भी और वो पहले आप देखें ना कि अडयाला आने की वो उन्होंने दी दरख्वास्त बाद में कहा कि नहीं वापस ले, ले लेते हैं क्योंकि ट्रायल जल्दी हो जाएगा अटक रहने दें हमें तो वो ये सारा कुछ करने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन हैं लोकल गवर्नमेंट मुझे नहीं मिलती ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट के बगैर डेमोक्रेसी लेजिटिमेट नहीं है नहीं होता इलेक्शन उसका एम एन ए को अभी राजा रियाज ने कहा पचास करोड़ फी एम एन ए फंड मिला है उसने अपोजिशन क्या की कि वो पी टी आई का मेम्बर बन के अपोजीशन मम्बर बना हुआ है जैसे ही रिज़ाइन करता है जाके नून लीग में शामिल हो जाता है और ये जो है वो मतलब पहला अपोजिशन लीडर पाकिस्तान का एक ही पोस्टर पर वज़ी अजम और उसकी तस्वीर लगी हुई है एक ही पोस्टर के ऊपर लोग जो है ना वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं मुझे तो मेरे मैं, पास कोई ऑप्शन लाहौर आ रहा था तो गये के, खैर केयर टेकर गवर्नमेंट इन जनरल मुझे कुछ आए लोगों के मैसेज के यार हमने यही अचीव किया है हमने बात करनी है मैंने नहीं बुलाया कुछ आपने कर लिया मैंने मान लिया आपसे बेहतर कोई आया ही नहीं आपका मैंडेट क्या है नॉट योर जॉब यार आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट लाहौर में आप कितने हो गए साल से ऊपर हो गया किस बेसिस पे आप चला रहे हैं आपका हक क्या है अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोलने का अपने आप को ये मिनिस्टर बोलने का तो आपकी तो कोई कॉन्शियसनेस है नहीं नहीं वो सोलंगी साहब ने कहा ना कि इलेक्शन करवाने नहीं आए हम ये हमारा काम नहीं इलेक्शन कमीशन का काम है हमसे ना पूछें ये सवाल काकड़ साहब के भी आप बयान देख लें कि उनको लगाने की वजह क्या है वही जो आ, मेरा ख्याल है जो आ, शान मसूद को टीम में रखने की अंग्रेज़ी अच्छी है उनकी और तो कुछ नहीं है ना कि वो बाहर जाके और उन्होंने बाहर जाके भी ये कह दिया पाकिस्तान इज़ चाइना इज़ इसराइल जो कि टॉन्ट करते थे हमें लोग के जो इसराइल अमेरिका के लिए किरदार अदा करता है जो कि अटरली नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ कहा जाता है उन्होंने खुद कह दिया फिर बलोचिस्तान के बारे में सवाल हुआ उन्होंने कहा सिर्फ पचास मिसिंग पर्सनस हैं वो भी आ जाएंगे ऑफिशियल फिगर चार हज़ार से ऊपर गया हुआ है ठीक है उनका जो रोल वहाँ की पॉलिटिक्स में रहा है वो भी आप किसी से किसी बलोच से पूछ लें कि वो किस बेस के ऊपर लाए गए हैं काफ लीग में शामिल होते हैं पहले दो हज़ार सात आठ की बात है उसके बाद में हर किंग्स पार्टी में इनको टिकट मिलती रही कोई कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स ये नहीं करते इसके अलावा इनका बेसिक काम ही ये है कि जो सारे वहाँ पे इल्ज़ हैं उनके ऊपर पर्दा डालें आइडिया ना हो किसी को कि वहाँ पे क्या हो रहा है या ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है या क्या चीज़ है उसकी बेस पे उनको कोई मुझे बता रहा था ये कुछ साल बाहर भी रहे हैं सच है बाहर भी रहे हैं और, और असाइलम वाला सीन भी था ना और वहाँ पर उन्होंने कुछ गलत डिक्लेयर किया हुआ था हाँ वो सुना है कि असाइलम उन्होंने क्लेम किया था Uh, as an Afghan person, maybe, I don't know. मैंने भी ये सुननी सुनी, -सुनी खबर आई है कोई वेरीफाइड नहीं तो इस पर कुछ कह दूँ वो अब पाकिस्तान के डेकर प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल <laughs> तो वो ये है कि अब उनको भी इस चीज़ पे नवाजा गया है और आकर उनका भी अगर टर्न ओवर अब अब भी कुछ लोगों को है कि पता नहीं फेबररी में भी जाते हैं या नहीं जाते ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं मैंडेट के साथ रह चुके हैं उनका ह्यूब्रस बर्दाश्त नहीं हुआ उनको अब अमीर उलमिन या उमा का लीडर बनना था वो गिर गए तो ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं ये अगर अपने आप को अब लार्जर दें लाइफ समझ रहे हैं आ, इनको तो साल बाद पता चलेगा लेकिन अगर हम बात ही करें कि लोगों को नवाजा जा रहा है नवाज़ को नवाज दिया ऐसे ही है देखें आप आने से पहले जब लंदन के अंदर उन्होंने आखिरी अपना खिताब फरमाया जिसमें कहा कि बाजवा साहब का एतसाब होना चाहिए जो है वो चीफ जस्टिस साहब का नाम लिया साकिब निसार का नाम लिया बंदेल का नाम लिया फ़ौरन शहबाज शरीफ साहब अभी 24 घंटे पहले लैंड किए थे एकदम से उन्होंने कहा कि आदि कम खराब हो गया मेहनती आदमी फ़ौरन टिकट करवाई वापस गए उन्हें कहा तरले किए कि मेहरबानी करें एक ग्राउंड बनाई है डेढ़ साल सर नीचे करके अब ना सर कटवाएं इस तरह से अब मौका जो है आपके सामने है बर्दाश्त कर लें और ना ये नाम लें सारे ये वो ना तो उसके बाद में होम्योपैथिक हो आए हैं यहाँ पे आप देख लें मिनारे पाकिस्तान वाली स्पीच में कोई एक बात की वोट को इज्जत दो काम लेने नहीं आया हाँ और क्लियर क्लियर इंडिकेशन बिल्कुल तो उसमें ये है कि अगर इन्हीं कम्प्रोमाइजेस के साथ काम करना है तो पहले फिर क्यों सीधे हो गए थे मुशरफ के सामने आप तब भी कह देते ठीक है आओ चलाओ मैं बैठ जाता हूँ जाती उम्रा में जब मेरी जरूरत पड़ी बुला लेना मुझे और बंदूक सीधी कर ली जनरल इफ्तार ने जब इनके ऊपर और का इस्तीफ़ा लिखो तो लिख देते तो उस टाइम भी अगर 10 15 20 साल बाद भी यही करना था जो किया है आपने अल्टीमेटली तो फिर कंसिस्टेंसी तो नहीं है ना आप भी खा नहीं है या आप कुछ और ही हैं फिर कोई आप अगर नाइन्टीज़ की पॉलिटिक्स देखें बिल्कुल सेम है इज़ हाँ। इमरान खान वो आपका रियासत का फेवरेट लाडला रियासत का कैंडिडेट इस्लामिक टच पॉलिटिक्स अमीराममोमिन बनने वाला पंजाब सेंट्रिक सब तो खान के गुन में थे हैंडसम भी थे वो, हाँ अल्लाह जनरल ज़िया को करवट करवट जन्त नसीब करे उन्होंने जाकर कहा था उनके जो श्राइन सा बनाया हुआ उस पर तो ये है कि ये सारा कुछ देखने के बाद उनका वापस आना अचानक से और सारे केसेस का माफ़ हो जाना और अब आकर वो करप्ट भी नहीं रहे टीवी के ऊपर स्पीच भी आ रही है जो उनको उनकी कैंपेन करता है उसको उठाते भी नहीं है ना फ़ोन आता है कि अपनी वफ़ादारी तब्दील करो टिकट नहीं लेनी नून लीग की इनफैक्ट अब तो नून लीग की टिकट सबसे डिमांडिंग पोजिशन में है ना पाकिस्तान में इवन साउथ में भी सेंट्रल पंजाब के अंदर और जगहों पर पोल्स भी उनके हक़ में आना शुरू हो गए हैं अभी हमारे लिए जाना हुआ था आपसे पहले उन्होंने बोला बस सैटरडे को हलफ नहीं लिया इस प्राइम मिनिस्टर बाकी <laughs> तो तकलीफ पूरी थी वही ना वो कह रहे थे कि पहला इलेक्शन है जिसमें वजी अजम कन्फर्म है ये नहीं कन्फर्म इलेक्शन कब होना <laughs> <laughs> तो वो बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है तो डील के अलावा तो क्या हो सकता है लेकिन अब ये आर्ग्यूमेंट इसमें आप कर सकते हैं कि भाई निकाला भी ऐसे ही गया तो ले भी ऐसे ही आए वो इसीलिए तो मैं इतने सालों से जिस बातों में जो गालियाँ पढ़ी हैं कि जी ये 2000 हज़ार अभी का जो क्राइसिस है 2017 में पैदा हुआ एंड द सिस्टम इज़ बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स राइट नाउ कि हमें खुदा के वास्ते इकॉनमी पॉलिटिक्स 2017 पे वापस ले जाओ हम इससे भी आगे नहीं मांग रहे बट लाइक like, भाई 2017 दे दो हमें तो किसने ये छः साल हमारे ज़ाया किए ज़रा ये सवाल पूछा जाए देखिए एक्सपेरिमेंट है ना बे, बेसिकली एक एक्सटेंशन से मामला शुरू होता है राइल शरीफ साहब की और उसके बाद डॉन लीक्स वाला इवेंट भी हो जनरल मुशरफ इज़ द हाँ वो मे भी वो, तो, वो, वो तो लेटर इवेंट्स में से आता है ना जिस तरह वो क्या नाम है उनका ब्रिगेडियर एजाज शाह जो कि वज़र दाखिला थे पी टी आई के उन्होंने टी वी के ऊपर आके कामरान शाहद के इंटरव्यू में कहा मुशरफ वाला पंगा ना लेते आज भी वजी अजम होते मियाँ साहब पी टी आई का जो है वो ये वजीर दाखिला कह रहा है ये उनके मुँह से ये लफ्ज़ निकला तो वो सारा कुछ किया और फिर सी पैक के ऊपर थोड़ा डिस्कॉड था

पॉपुलिस्ट पाशा साहब की सपोर्ट किसको थी और जो है वो ये सारा कुछ क्योंकि तो नैरेटिव डॉन लीग्स और इन सब चीज़ों पे बने हैं कि आप कहते हैं जर्नलिज्म नहीं हो रहा किसने डॉन को बर्बाद किया कौन फेवर में था जियो के फॉर वो वी कैन क्रिटिसाइज द मीडिया कैनिसाइज मिलियन थिंग्स थिंग्स मिलियन रॉन्ग बट अगर कोई आपको तंजीद करता है आप उसके कंपनी के ओनर को महीनों जेल में डाल देते हैं और कोई कोई रिपोर्ट भी नहीं कर सकता कोई उसके हक में नहीं बोल सकता फिर आप बोलते हैं चाहे डॉन कुछ लिख क्यों नहीं रहा डॉन की फटी हुई है क्या क्या करेंगे ऑब्वियसली अभी भी जो रिसेंटली एक इंटरव्यू वहाँ पे अब्बासी साहब का हुआ है वो भी सुना बड़े प्रेशर में रहे हैं हाँ उन्होंने हैं। एक दो दिन रेजिस्ट किया फिर चला दिया तकरीबन हाँ चार पाँच दिन आदिल का था किसका था वो एंकर का नाम मुझे बोल रहा है I नहीं नहीं आदिल शाहजेब का था हाँ बिल्कुल तो ये है कि आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि भई एक ऐसा इदारा जिसके अपना सर्वाइवल जो है वो अगर स्टेट चाहे बंद हो सकता है तो फिर वो कैसे लड़ेगा क्या या तो इतनी इंडिपेंडेंस हो ना कि कोई बाहर से फंडिंग आ रही है और उसको छेड़ भी ना सकें कोई एन टाइप सीन हो वो भी नहीं है तो ये तो ओवर एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर यह कहना कि आप उनसे लड़ के सर्वाइव कर लेंगे वो हो नहीं सकता तो ये सारा कुछ नवाज शरीफ साहब ने एंड पे जो उनकी ज़ाती ख्वाहिश थी मुशरफ साहब का एतसाब करना है फिर वो जस्टिस वकार वकार सेठ सेठ ने ये भी भी कह दिया दो दो बार फांसी दो चौक में लटका के तो वकार के साथ क्या हुआ कोविड कोविड हो हो गया हो गया जो, जो कंस्पिरेसी थ्योरीज बनानी नहीं चाहिए लोगों को भी होने लगा था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपना कराऊंगा <laughs> तो बारे में बिल्कुल वो सारा कुछ देखते हुए जो उनका जसाब की ख्वाहिश थी इससे रोकने की कोशिश की लोगों ने लेकिन वो नहीं रुके और फिर मुझे वो भी टाइम याद है जब मुशरफ साहब को वापस लाया जा रहा था पाकिस्तान अभी डेथ से पहले बात हो रही थी तो मियाँ साहब ने कहा कि आई एव नथिंग अगेंस्ट हिम और उनका इलाज होना चाहिए फैमिली मैं उनको माफ़ करता हूँ ठीक है तो uh, मेरा ख्याल है लेसन लर्न कर लिया है उन्होंने थोड़े सेट लग रहे हैं मुझे बट यू नो वी टॉक अबाउट थिंग्स इन आइसोलेशन होनी चाहिए आज ही लोग हैं जब नहीं बिक रहे थे तब आपने क्या किया राइट लाइक like, अगर जनरल मुशरफ का ट्रायल होता मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट तो हम जो डॉन की बात कर रहे हैं कि जी जर्नलिस्ट क्यों नहीं खड़े हो रहे क्यों क्या आपने उनकी टाँगें तोड़ दी उनको मार दिया उनको hmm. भगा दिया उनके पे स्ट्रेंथ नहीं रही सो दो हज़ार से 2017 तक अगर हम देखें कि यार थोड़ी सिविलियन स्पेस बन रही थी एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर हमने देखी शुरू शुरू एटलीस्ट शोर लॉयर्स मूवमेंट एंड मेमो गेट कपल ऑफ एग्जाम्पल्स बट मोर और लेस नाइन्टीज़ वाली पॉलिटिक्स ने देखी कि भाई कली बेनज़ीर को हटा दो मुझे आना है या कली नवाज शरीफ को हटा दो मुझे आना है साथ मुशरफ का एक ट्रायल भी शुरू हुआ बिग राहल शरीफ की एक्सटेंशन रिफ्यूज़ हुई सो बिग स्टेप्स टूअर्ड्स सिविलियंस गेनिंग ग्राउंड ग्रेजुअल स्टेप्स वो आपने फिर पूरी की पूरी लीडरशिप जेल में डाल दी मीडिया को बंद कर दिया एक हाइब्रिड रिजीम इन्वेंट कर दी टीएलपी एल इन्वेंट कर दी ब्लैस कैम्पेन्स चला दिए नैब पीछे लगा दी फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 कि के पीएमएलएन के सारे लीडर्स जेल में हैं नवाज शरीफ एग्जाइल में कुछ मरियम नवाज जेल में कुछ ऑप्शन है नहीं उनके पास उसमें वो मार वार के शबाज शरीफ के पास जाते हैं बोलते हैं हु दस हो अब आपके पास दो तरीके हैं कि इधर ही रहो नायब में इन्जॉय करो आप लोग सारी जगह या फिर आ जाओ और चूँ नहीं करनी एनी रैशनल एक्टर वुड से हाँ भाई सर हाँ बिल्कुल वो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट जब ये हैं कि इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है तो यहाँ सियासत छोड़ दें बिल्कुल ही चले जाएँ यहाँ टर्न योर बैक टू पॉलिटिक्स अगर यहाँ करनी है तो फिर वो इन्हीं रूल्स से होगी जिस तरह से मियाँ साहब को भी कन्वे किया गया इसलिए वो आके शहबाज शरीफ राना सनाउला साहब ने कहा ना कि अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयानी में कोई फ़र्क नहीं होगा और वो लग भी रहा है कि ऐसा ही है तो ये नू श हो गया शीन नून नहीं हो बिल्कुल तो अगर हमारा मसला ओवरऑल पाकिस्तानी माशरे का ये है कि टॉप डाउन अप्रोच पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं एक लीडर आएगा सब फिक्स कर देगा लड़ लेगा एस्टेब्लिशमेंट से निकाल देगा सारों को और सीधा कर देगा सिस्टम को करप्शन ख़त्म कर देगा बॉटम अप अप्रोच भी होती है ना वो यहाँ पर है नहीं इंडिजनस बोटो साहब को फांसी लगी क्या हो गया कितने लोग बाहर आ गए ठीक है एक रेजिस्टेंस तो नज़र आई सिंध के अंदर ज़्यादा और जगहों पर लेकिन क्या एहतसाब कर सकें उन लोगों का जिन्होंने लटकाया फांसी भी नहीं कर सके जिसने दस पंद्रह दफ़ा वजी आजमों को फारग किया पहले दस सालों में आठ वज़र आजम फ़ारग कर दिए हमने फोर्टी सेवन से फिफ्टी एट तक किसी का एहत हुआ नहीं हुआ तो ये अगर कौम ही उस तरह से नई ग्रीवेंस लेती कलेक्टिव एक्शन नहीं होता तो फिर दैट आई एम कि जब आपने कोशिश की तब आपने उसी आदमी को विलेनाइज किया जो कोशिश कर रहा था ठीक है मैं भी आज कहता हूँ ये हाइब्रिड हाइब्रिडीम है ये अब वोट को इज्जत दो की जगह बूट को इज्जत दे दी लेट ही आए हैं उनके सामने कल नवाशरीफरी को नवाज शरीफ ने आके बोला कि मैं इंतकाम नहीं लेने आया रियासती इदारों के साथ मिल के चलाना है तो हाईब्रिड रजीम है और इसका क्या मतलब है सिर्फ सीधी सीधी बातें हैं सारी बिल्कुल लेकिन शदाद ये भी फ़र्क है कि दो हज़ार तेरह वाली गवर्नमेंट भी हाइब्रिड थी मैं कहता हूँ ये नहीं था कि टोटल सिविलियन कंट्रोल था आपको याद होगा ऐसा इकबाल को कोर्ट में नहीं घुसने दिया वजीरा दाखिला था बट बाइनरी नहीं हो सकता ना

सो लेट्स स्टार्ट ना कि किसने ये नहीं वो तो लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे रहे थे वो तो लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे रहे थे उन्होंने लास्ट मोमेंट पे भी ये कहा कि मार्शल लॉ लगा दें फिर मुझे ना निकालें लेकिन उन्होंने कहा नहीं लगाना इकोनॉमी की सूरत हाल खराब है इसलिए आप जाएँ सिर्फ तो उस पर भी एतराज़ था एतराज़ एंड पे भी यही था।, था कि हमें सपोर्ट नहीं किया तो वो उनकी तो बहस ही नहीं है ना कि वो कोई डेमोक्रेटिकली बिहेव कर रहे थे बट मुझे ये लगता है कि ये सूनर और लेटर ये कोलेब्स की तरफ चीज़ें इसलिए जा रही हैं कि स्टेट जहाँ से पावर ड्रा करती थी ना वो किसी हद हाँ तक आपका कैपिटल था जो बाहर से आ रहा था आपको सपोर्ट करने के लिए वो तो नहीं आ रहा अब अब मसला ये है कि जंग भी ख़त्म हो गई अफगानिस्तान में इसके अलावा कोई कॉलेशन सपोर्ट फंड भी नहीं आ रहा अब आपको ठीक है आपकी कोई इंटरनेशनल वॉर फ्रंट पर ज़रूरत भी नहीं है अब ईरान और सऊदी भी आपस में बात कर रहे हैं ठीक है तो आपका धंधा तो बंद हो गया तो बेसिकली जो ड्राइविंग फोर्स थी सारी वो इंटरनेशनल असिस्टेंस थी पाकिस्तान की डीप स्टेट की ना जब वो ख़त्म हुई है तो उसके बाद अब इट इज़ बिहेविंग लाइक अ पोलिटिकल पार्टी डिसइंटीग्रेट है पोलराइज है और उसके अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है डिसप्लिनरी इशूज़ हैं और ये सारी चीज़ें पोलिटिकल पार्टी में भी होती हैं और हर लीडर ये सोच रहा है कि तीन साल और मिल जाएँ उससे क्या होता है कि पूरी जो पीछे हरारकी है उसके जहन के अंदर और उसके दिल के अंदर ये आता है कि सम हाउ वी हैव टू रिमूव हिम

ठीक है हम साढ़े भी माफ़ नहीं करेंगे ना वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है मेरे अगेंस्ट तो ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट कर रहे थे नौ मई से पहले पी वाले तो मैं तो लिस्ट में हूँ मुझे पता है हालांकि मैंने पिछले ढाई तीन महीने में एक भी वीडियो नहीं बनाई खान साहब देखिए चलो मार पड़ रही है मेरा क्रिटिसाइज़ करना बनता ही नहीं है जो ये कहते थे कि आपका इनकम का सोर्स ही है कि खान साहब को जलील करना है तो तीन महीने में भूखा तो नहीं मरा मैं ना अब बात तो नहीं की खान साहब के ऊपर बहर तो ये है कि वो बाकी हर चीज़ से है और वो होती रही है लेकिन फ़र्क ये है कि अब डीट डीप स्टेट जो है ना उसकी जो ग्राउंडिंग थी बेसिकली जो उसका रैशनॉल था रहने का कि जैसे ही बाहर से एड आई तो दे यूज़ टू टेक पावर बाहर आ जाया करते थे कि अब हमें दे दो क्योंकि बाहर से पैसे आ रहे हैं यूब के टाइम से उठा लें जब अमेरिका ने पैसा देना शुरू किया सिविलियंस जो थोड़े बहुत बचे साइड पर हो गए कि अब हम करेंगे आके ज़्या के दौर में भी यही हुआ कि उसको पीछे से थपकी अमरीका की थी लटका भी दिया भुटो को पता था कुछ नहीं होगा बिकॉज बैक बाय अमेरिका मुशरफ के दौर में भी ये था कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कू किया है तो मसला कोई इतना नहीं होगा ना हम लगेंगे ना सेंकशन लगेगी क्योंकि ज़रूरत पड़ी हुई है इसलिए अब ये इशू है कि आप जो कोई अनडेमोक्रेटिक काम करते हैं उस पर बाहर से भी आपको वैलिडेशन मुश्किल से मिलती है तरले करने पड़ते हैं जाके शहबाज शरीफ साहब ने तीन बार पर्सनली एम डी आई एम एफ से बात की है फिर एक अरब डॉलर मिला है और ये नौ महीने का अग्रीमेंट जो भीख मांग के मिला है वज़ी अज़म को जाके बात करनी पड़ी पहले होता नहीं था इस तरह तो ना बारगेनिंग पोजिशन ख़राब हो रही है और जो वो कहते हैं ना मैथड टू द मैडनेस वाली बात है तो मैथड क्या था कि स्टेट के पास बहुत पावर है डीप स्टेट के पास दे यूज़ टू मेंटेन देयर कंट्रोल ओवर दैट ना कि क्रम्बल ना करें चीज़ें जित जितनी हैं वो बच जाएँ अब वो अंदर से भी खोखली होती जा रही है तो मुझे तो लग रहा है कि विद इन टेन ईयरस में भी ये जो इकनॉमिक डिटेरेशन है ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगी ये तो टेल्स uh, पिन और नोजैली uh, वेल दैट दैट कुंड थिंग मैं ये कोई कंस्पेरेसी तो नहीं कर रहा लेकिन बात यह है कि जब आप फॉरेन करेंसी अकाउंट बंद कर दें इसके अलावा वो कहते हैं ना वन द एम्पायर इज़ क्लोज गेटिंग क्लोज टू इज डिस्ट्रक्शन द क्रेजियर्स द्रेजियरेस्ट लॉज आर तो उतनी क्रेजी लॉज बनते जा रहे हैं और पोलिटिकल रिप्रेशन है इलेक्शन नहीं हो सकता तो ये मसला है कि मैस पॉवर्टी जब इंक्रीज़ करेगी तो एजुटेशन भी बढ़ती है बेशक पाकिस्तान में इतनी जल्दी एजुटेशन नहीं होती जितनी शायद कहीं और हो जाए क्योंकि राइट्स शुरू से मिले नहीं नॉर्मलाइज ना की सफरिंग्स लेकिन वो होगी क्योंकि अगर आप दे भी कुछ नहीं रहे और खाली मार ही रहे हैं तो आई डू थिंक पाकिस्तान में आपने हिस्टोरिकली बहुत मूवमेंट्स देखी हैं इज जज देट क्योंकि वो गरीब तबकों से आती हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते राइट एम आर डी वॉज बिग पाकिस्तान वॉज बिग फार्मर्स की मूवमेंट ओकाडा में गोलियाँ खाई हैं जो मैंने के जो थी हाँ गोलियाँ खाई हैं उन्होंने लेकिन इस मसला, के जो हमारा मीडिया है हमारी जो है, नहीं करता उसको।, वो उसको बिल्कुल नहीं आपकी जो मुझे भी क्रिटिसाइज़ हुआ कि मैंने कुछ इंटलेक्चुअल्स जो उनको हम समझते हैं यही तो मसला है कि आप जिन इंटेलेक्चुअल्स को जिन जर्नलिस्ट को जिन मीडिया वालों को जिन नेरेटिवस को प्रोमोट करते हैं और बोलते हैं आपके हीरोज़ हैं वो सब हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की गोदी से पले हुए हैं और वो कभी उस सिस्टम के सब सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं ना यार बिल्कुल हाँ सब सिस्टम के बेनीफिशरी ऑबियसली एम डी आई एम एफ ने अभी दो बार कहा है कि हम इनको ये भी कह चुके हैं कि टैक्स कर लें लीड को ये नहीं करते अब खैर क्या भी आई एम एफ रहा जो ख़ुद एक्सप्लोटेटिव है लेकिन ये उसकी भी बात नहीं मानते तो लीड कैप्चर भी एटीन बिलियन डॉलर्स का है आप तो कर चुके हैं पॉडकास्टर्स के ऊपर पहले भी वो तो क्लियर है तो उसको तोड़ने के लिए हम इन्हीं से एक्सपेक्ट करेंगे तोड़ेंगे मुझे तो कुछ लोग कह रहे थे ये जो नई पार्टी आ रही है इसमें मिफ्ता साहब हैं खाकान साहब हैं और वो खोकर साहब हैं तो मुस्तफ़ा नवाज़ साहब तो इससे कोई होप है आपको मैं कह किसके नुमाइंदे हैं मेरे आपके हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मल्टा बिलियर जो आरोपीज़ इनकी फार्चून हैं किसी की इंडस्ट्री है किसी का कोकोमो है किसी की एयर ब्लू है तो अब ये आके आम आदमी के मसायल हल करना अगर आप ये सोचते हैं कि हो जाएगा तो ठीक है बिलीव इट इफ़ यू वॉन्ट टू तो ये मूवमेंट्स की जो आप बात कर रहे हैं मसला उसमें ये होता है कि इंटरसक्शनैलिटी नहीं होती अगर वजीरस्तान से एक मंजूर पश्तीन की तारीख उठ गई है यहाँ के लोग कहेंगे वो गद्दार है झंडा नहीं आ रहा ये नहीं हो रहा वो सब नहीं हो रहा अब आके पीटीआई वाले कह रहे हैं सही कह रहा था ठीक है और दूसरा ये कि से कोई अगर इस पे अगर मैं इफ़ आई आई दिस एंड वांट गेट बैक टू दिस पॉइंट इस बात पे आपकी क्या आ रहा है कि कोई भी आदमी इस्लाम आके ये बोल दे कि मैं पैंटें उतारूंगा उन्होंने पैंटे उतारी थी मैं ही उतारूँगा और ये बोल कर चला जाए उस पर शक होना चाहिए कि यार अगर <laughs> well, oh, ये बोल कर चला गया तो इसको आने दिया और इसको जाने दिया अब हाँ वो उससे सवाल हुआ ना इस बारे में कि फिर आपको क्यों नहीं पकड़ते उसने कहा मैं अपने आप को रस्सी बाँध के डाले में बैठ जाऊँ फिर क्या करूँ अगर उनकी वो अगर नहीं पकड़ रहे मेरा कसूर है इसमें उसकी एक्सप्लेशन ये है मेरी ये है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारी उसमें वो बलोच के नंबर्स में नहीं वो बहुत बड़ी है एक ट्राइब वो बेशक वज़ी हो या और हो साठ सत्तर लाख आबादी है एक कबीले की तो अगर वो इतनी बड़े फ्रंट के ऊपर एक यूनिमस बाइंडिंग फोर्स है मंजूर पश्चिम की सूरत में एंड टेक दैट आउट सो व्यस मे बी दे आर इंटरमीडियटेड जो कि यहाँ पर आप कहेंगे देखो खान को तो उठा लिया उसके पीछे दो तो से ज़्यादा बंदे थे बट खान इज़ मोर रेलिवेंट इन दी अर्बन सेंटर्स उस तरह से ना वहाँ पर तो uh, डायना और वो अली वज़ी को उठाने में कोई मसला नहीं था पीटीएम का लीडर था अरमान लोनी उसको जाकर गोली मार दी और बड़े वर्कर्स को मारा है पीटीएम के तो कोई तो एक तो काफ़ी हैं बट ये है कि जो आर्ग्यूमेंट हमें मिलता है वो ये मिलता है कि इज द बाइंडिंग फोर्स सो इफ यू रिमूव इज दैट्स दे स्टे अबिट कॉशस कि वी नीड टू नीगोशिएट विद सो ऑब्वियसली दे टॉक टू हिम ऐसी बात तो नहीं है कि उसका रबता ही कोई नहीं होगा वो तो है उसकी तस्वीर भी ली हुई ना वो जो बैठा हुआ है अंदर और सामने वो वर्दी में दो अफसरान बैठे में तो उसने खुद कहा कि भाई खुद बुलाते हो पहले और जब मुजात की बात होती है तो उसके बाद में ये करते हो मुखरत ना करें तो कहते हो कि ये आउटसाइडर्स हैं और वो सब हैं तो यस यू कैन डाउट एनी वन मेरे आप पे भी हो सकता है लोगों को है और लोगों पे भी हमसे मुझे भी तुम्हें क्यों नहीं उठाया अबे मुझे क्यों पता है मैं यही मैं कैसे इस बात का जवाब दूँ नहीं यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का सबूत ये है कि आपकी लाश पड़ी होनी चाहिए पाकिस्तान में अगर आपने ये साबित करना है ना कि मैं ऑथेंटिक हूँ तो आपको मरना पड़ेगा उसके लिए ये आलम है अवाम की जहनीत का अब इस तरह तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आसमान जहांगीर को कभी मारा नहीं ठीक है एग्जीक्यूट नहीं किया स्टेट ने तो वो तो मिली हुई थी स्टेबलिशमेंट के साथ तो ये ये आराम से प्रूव हो सकता है ये और और चीज़ें प्रूव हो सकती हैं तो ये तो आपने अपनी जजमेंट से सोचना है ना अगर कोई बिका भी हुआ है या कुछ भी हुआ है आप उससे क्या ड्रा कर रहे हैं आपको इंस्पिरेशन मिल रही है नहीं ये सोचें बाकी उसका ज़ाती फेल है रेट्रोस्पेक्टिवली आप नहीं देख सकते कि अब जिस तरह नवाज शरीर इतना भी डील कर दी हम भी आई थिंक इंटेलिजेंस को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं इन्होंने you know, चार साल पहले बोला कि पहले हम पी करेंगे फिर नाइन्थ में होगा तो नहीं कुछ नहीं नहीं चीज़ें हो, हो जाती हैं yeah. अब जिस तरह ये भी कंस्परेसी थ्योरी चल रही है कि इमरान रियाज खान के पास सब जर्नलिस्ट इसलिए जा रहे हैं कि एक री लॉन्च प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब ये क्वाइट पॉसिबल के दो साल बाद इमरान रयाज़ साल बाद या महीनों बाद इमरान रयाज खान टी पर हों और वो प्रो इस्टबलिशमेंट बातें कर रहे होंटैब्लिंग के साथ मिल रहे हों सब कुछ हो सकता है बट फिर रेट्रोस्पेक्टिवली आप बोलें कि जान बूझ के इसको खान से मिला कर ये, कर, ये? इतनी को इतना थाटफुल पाकिस्तान की स्टेट होती तो यहाँ ना खड़े होते मैंने तो जाके बड़े हाई एंड लोगों से जो कि बड़े बड़े उहदों में बैठे हैं बात की है कुछ नहीं पता होता उन्हें अगले हफ्ते क्या होना है या उसके बाद क्या होना है पूरे मुल्क में ये जो दुबई में मीटिंग हुई थी अभी जिसमें सदारी साहब नवाज शरीफ थे पार्टी के मिनिस्टर्स को नहीं पता क्या डिस्कस हुआ वहाँ पर नहीं पता ऑफ़ द रिकॉर्ड भी नहीं बता रहे किसी को कि वो कह रहे हैं आ, हमें खुद नहीं पता चला वहाँ पे बंद कमरे में फैमिली के चार लोग बैठे हुए थे हमें तो बताते ही नहीं है तो इतना अगर यहाँ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता पावर का तो अब कुछ समझ आती ना कि यार क्या बात हुई है क्या फैसला हुआ है यहाँ तो चार पाँच लोग बैठते हैं वो अगले पाँच साल डिसाइड कर लेते हैं आपके तो आपको क्या पता क्या होना है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रोडिक्शन वाला एनालिसिस मोस्टली फ्रॉड होता है आइडिया ही नहीं किसी को एक एक होता है ना कंसिस्टेंसी इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी होती है वो है ही नहीं यहाँ पे किसी भी दिन उठ के कोई नया फैसला हो जाएगा तो ये कहना कि बड़ा थॉटफुल तरीके से उन्होंने प्लान किया होता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं होता वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि बस अभी चल जाए तीन महीने गुजार दें दो महीने आ जाए सैलरी मिल जाए इंटरसेशनि इंटरसेलिटी वाला पॉइंट बहुत अच्छा था उस पर वापस आ जाते हैं बलोच पर थे आप तो उस पर यह था कि बलोचस्तान में जो तहरीकें चली हैं आज तक उससे हमने आइडेंटिफाई यहाँ बैठ कर नहीं किया या लाहौर इस्लामाबाद में और जगहों पे क्योंकि हम ये समझते रहे कि ठीक है उनके साथ होगा तो सही हो रहा होगा क्योंकि दहशत गर्द होंगे ना इसलिए उठाया जा रहा है हालांकि कंसेंसस के बारे में अगर हम बहस करें तो पहली जजिसलेटिव असम्बली थी गोस बक्स बजनजो के अंडर दोता ही अक्सरिया से रेजोलूशन पास की थी उन्होंने कि हमने नहीं यून करनी आपके साथ उनको परसुएट करने की बजाय फ़ोर्स का इस्तेमाल हुआ वो सब कुछ हुआ तो वो हम आज यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि आवाम के फैसलों से हुकूमतें नहीं आ रही भाई वो उनका स्टार्ट ही वैसे हुआ था ना इस तरह फिर एफ़ का मैंने पहले आर्ग्यूमेंट किया लोगों ने बड़ी गालियाँ दी कि वहाँ हो रहा है यहाँ भी होना चाहिए लेकिन ये बात नहीं है बात यह है कि वहाँ पर वकील अपील और दलील तीन हक हैं ही नहीं आप लॉयर नहीं कर सकते उठाए गए हो तो अपील नहीं कर सकते कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है दलील नहीं दे सकते अपनी जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकते कोई बात करने की ये तीनों राइट्स आपसे ले लिए गए इसके बाद क्या है एप्सलूड लॉलेसनेस है गिलगत के अंदर भी यही था वजीस्तान में भी यही था ट्राइबल एजेंसीज में भी यही था यहाँ आकर अब अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास हुआ है तो अब अवाम को ज़रा हुआ है कि ये गलती हो गई है थोड़ी सी पहले सही चल रहा था तो ये दो हज़ार अठारह में ख़त्म हुआ है लाहौर में कोई ख़ातून है जिनिंग पी टी आई प्रोटेस होंगी एक मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी थी हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी आर्मी हम पे हमारे खिलाफ होगी कौन से मुल्क में रहे नहीं वो जो अजहर सदीक साहब जो लॉयर हैं पीटीआई के उनका बयान सुना था आपने इस्लाम आबाद में उन्होंने कहा उन्होंने कहा ये जिस तरह आप उठा के लेके जा रहे हैं बलोचस्तान नहीं है हाँ 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 ये वहाँ करें जो करना है ये ना किया करें हम ये कोई क्या इलाका गैर बना दिया आपने इसको वहाँ पर जो आपने करना है करें यहाँ पर ये बड़े शहर हैं इधर ये सब नहीं चलेगा तो ये जो एक लिहाज से हमने एक पैरल स्टेट बना कर रखी कि हम लोग प्रवलिस्ड हैं वो नहीं हैं इसको बताने का मकसद ये नहीं कि आप भी डिज़र्व करते हैं ये लोगों को समझ नहीं आती इस सारे आर्ग्यूमेंट का मकसद ये you know, जो कि यहाँ तक नैज इस नैज पर पहुँचने ही ना देती चीज़ों को इट्स अ सेम आइडिया जिस पर आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा राइट्स फॉर ऑल हमें भी अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिसिज्म हुआ लेकिन अगर हम कहते हैं 1971 में पूरा वेस्ट पाकिस्तान डिड नॉट केयर कि के वहाँ क्या हो रहा है उसी तरह उसके बाद यू डोंट केयर बल्दुस्तान में क्या हो रहा है यू डोंट केयर पश्तन इलाकों में क्या हो रहा है तो वो इंटरसेक्शनलिटी नहीं बनती इवन नाइन्थ मे को सारा फोकस क्या है जिना हाउस कोर कमांडर हाउस जना 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 कहाँ बंदे मरे हसन ने आजी को तो नहीं गोली पड़ी ना वो जो सवाद का जो एक्सचेंज था जी जी वहाँ तो हुआ उस पे नहीं उसके साथ जो बिल्डिंग है वहां पे जब उन्होंने जाने की कोशिश की वहां बंदे मरे कोटा में बंदे मरे कोयटा में ये परमिशन नहीं थी कि आप अंदर आएगा पिशावर ना। में तो आए भी नहीं पिशावर में घुसे ही नहीं उधर भी नहीं घुसे पीटीए को क्या करना चाहिए था कि ये जो मारे हैं दे आर कनेक्टेड टू द बिगर कॉज ऑफ द हिस्टोरिक बलोच रिज बलोच कॉज पश्तून कॉज ये उससे लिंक्ड है अगर वो वाकई एंटी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए उनके पास तो ये लाखों का सपोर्ट है इंटरसेक्शनैलिटी का मिला हुआ था ऐसे ही है उन्होंने भी सिर्फ लाहौर फोकस रखा दे नेवर स्पोक अबाउट दैट दे नेवर हाई लाइटेड डेथ्स वरना तो इनको चाहिए था उनकी लाशें हर जगह वायरल कर देते तो दो सेकंड लगते हैं नहीं वो भी और उसके अलावा ये तो टी टी पी को लेजिटमाइज करते रहे हैं ना अब आप ये बात कर रहे हैं कि इनको उनकी कॉजेज को उठाना चाहिए था सफरिंग को ये तो जो सफरिंग वहाँ पर इन्फ्लिक्ट करते हैं ये तो उनको लाना चाह रहे थे बेसिकली तो चाहे पी पीर थे फैज साहब जाके जो ये कह रहे थे कि वहाँ अच्छे लोग हैं सेटल करवाना था वो सब करना था ऑन दी अदर साइड ऑफ द ग्राउंड ना वो तो ये चाह रहे थे कि जो इनको मार के फुटबॉल खेलते रहे सरों से इनके उनको लाओ वापिस बात करो उन बनाओ बना उनके तो ये है कि इनसे ये एक्सपेक्ट करना तो अनप्रेसिडेंटेड था कि वो सोच लेंगे इस तरह का कुछ इतना तब भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि ठीक है सर हमारी सियासत तो अब दफन होने वाली है they, polemics, you know, they, जो इतनी ग्रेटर सेंस ऑफ जो है वो कॉन्शियसनेस पर रिलाई नहीं करती वो सिंपलिस्टिक सोलूशन वाले लोग हैं जो खान साहब ने कह दिया वो ठीक है आज परवेज़ लाई को डाकू का ठीक है डाकू है कल कहा कि सदर है ठीक है सदर है तो वो तो उनकी वो टारगेट थी नहीं ना कि वो एक पॉलिटिकली कॉन्शियस मैस उन्होंने क्रिएट करनी है लेकिन जहाँ तक इंटरसैशनैलिटी वाली एग्जांपल है उसमें सबसे बड़ा मसला तालिबान वाला है ना आप ये देखें कि नाइन्टी परसेंट फॉल आउट जो होता है तालिबान का वो हमेशा नॉर्दन बॉर्डर पर होता है ठीक है यहाँ भी होता है मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ लेकिन उसके प्रपोशनेट अगर आप चेक करें तो वहाँ पर टेन टाइम्स ज़्यादा है यहाँ से हमेशा यहाँ से सिम्पत्ति मिलती है उनको क्लैरिक्स जो बैठे होंगे लाहौर कराची में वो कहेंगे कि नहीं उनका निज़ाम बेहतरीन है अपने बच्चे के लिए चूज़ नहीं करेंगे ठीक है जब वो वहाँ जाकर वो होता है रिक्रूटमेंट कैंप्स बनते हैं वो भी वहाँ बनते हैं लाहौर में तो आज तक नहीं लगा मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है तालिबान की और लोग हैं मकबूल है। जान टीवी पे पर आके जो बातें करते हैं हाँ वो भी यहीं बैठते हैं अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए ऐसे ही है तो वो जो सिम्पति यहाँ पर की जाती है उसमें हम ये चीज़ नहीं देखते कि वो कितने बार हैं वहाँ के लोगों के लिए या उन्होंने लोकली कितना नुकसान पहुंचाया भी जमात इस्लामी को मैं देख रहा हूं ये बड़े रेवोल्यूशनरी बने हुए वहाँ पे सेनेटर मुश्ताक साहब नाइन्टीज़ के अंदर फिल्में बनाने को फंड कर रहे थे जो कि जिसमें दिखाया जा रहा था कि पश्तून बच्चा आता है अपने आप को उड़ा लेता है और उसको उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं अच्छी कॉज के लिए मरा है ताकि वो जा सकें ये मुजाहिदीन की तरफ ना और एटीज़ में भी यही प्रॉपर था जमात फ़ंड करती रही है इसको और बता रहे थे कि पशतून बच्चों को मरना चाहिए अफगान कॉज के लिए आज वो एंटी तालिबान हुए हुए हैं लोग उनको भी पसंद कर रहे हैं तो ये वो पार्टीज़ हैं या ये वो लोग हैं जिन्होंने अब जिस तरह से ये अफ़गान महाजरीन वाला आर्गूमेंट हो रहा है कि इनको वापस भेजें सत्रह लाख का नंबर है ठीक है और उनको बीस दिन मिले हैं जिसमें कारोबार को छोड़ के हर चीज़ को छोड़ के जाएँ किसी हॉस्टल में बैठे हुए हैं निकलें वहाँ से आधी रात को सामान बाहर फेंक देंगे आपके पास आई कार्ड नहीं है गो टू हेल्प ठीक है आपने तीसरी नस्ल इस मुल्क के अंदर बड़ी कर ली है मुझे बताएं पाकिस्तान के सिटीज़नशिप का क्राइटेरिया क्या है मुझे नहीं पता क्या है इतना हीडियस है कि मैं अच्छा कितने साल में बैठ गया यहाँ पे ठीक है नहीं है डॉकोमेंट डॉक्यूमेंट लेकिन तस्करा का जो आपने निज़ाम शुरू किया था वो तो ज़्यादा औरल ट्रेडिशन थी उसमें मोस्टली और एक वो कच्चा जिसे कहते हैं ना वो रिकॉर्ड वो बना के पेंसिल से उस पर लिखा हुआ है ये दिखाएं और चले जाएँ आगे तो पहले आपने जो वहाँ पर हालात क्रिएट किए जिसके रिस्पॉन्स में वो यहाँ आए और यहाँ आके ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स लिए डॉलर्स लिए ना बेसिकली फ्री मील थोड़ी था नहीं था तो और वो भी वहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए अब इसकी तारीख बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप चले जाएँ अर्ली सैवेंटीज़ के अंदर खल्क और परचम की जो हुकूमतें थी तो जो परचम की तारीख थी जो मॉडरेट थी थोड़ी सी सेकुलर थी थोड़ी सी ठीक है उसका जो मोहम्मद दाऊद जो कि किंग जाहिर शाह के बाद आते हैं अफगान हिस्ट्री के अंदर आकर वो पहला काम क्या करते हैं कि जितने रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं उनको भगाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे ये तालिबान उस टाइम तो नहीं थी लेकिन ये सोच प्रिवेल नहीं करनी चाहिए अब उसमें दाऊद की हुकूमत को गिराने के लिए फ़ंडामेंटलिस्ट को पैसे देने का आगाज़ कौन करता है हम करते हैं हम करते हैं हाँ। बिल्कुल बट हमारा तो खून से रंगे हुए ना हाथ हमने भी हिस्सा डाला अपना गुलबदीन हमत यार को पहली रिफ्यूज कौन देता है पाकिस्तान देता है ठीक है और उनका पर्पस क्या था कि ये दाऊद की जो मॉडरेट हुकूमत है ना जो ह्यूमनिस्ट गवर्नमेंट है इसको हटाना है यहाँ से यहाँ पे वो वाला निज़ाम लेके आना है बिल्कुल यहाँ वो निज़ाम आना चाहिए जो अभी अभी ये आया हुआ है कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जाएंगी कोड़े पढ़ेंगी और वो सारा कुछ होगा तो हमने अगर वहाँ पर एक ऐसी आग लगा दी सेवेंटीज़ से बाद में मुला उमर इंस्टॉल हुआ मिठाइयाँ बाँटी यहाँ पर हमीद गुल ने बोला मैं उनके पीछे नमाज़ पढ़ता था बिल्कुल और ये कहा गया कि जी ये पाँचवा सूबा बन गया पाकिस्तान का अब डेप्थ आ सटेजिकार्ट वो आ गई है हालांकि मिल उनको गई यहाँ पर अभी आप देखें ना क्या हो रहा है अभी मुझे कोई पीपल्स पार्टी के कोई एक सैनिटर बता रहे थे कि ऑफ द रिकॉर्ड ही बताया उन्होंने कि वहाँ पर कोई ठेका इस टाइम पर भी होता है के के अंदर कोई टेंडर बढ़ता है टेन परसेंट टी टी के कमांडर को जाता है इस पॉइंट के ऊपर भी आप इस तरह लड़ नहीं सकते उनसे जो टीवी पे हम देखते हैं ना ऑल आउट वॉर है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं आपको तो ये वो सबूत है इस बात का कि आपकी पॉलिसी अटरली फेल हुई अफगानिस्तान में आपने मजहबी जंग लगा के वहाँ के बच्चों को मरवा दिया ठीक है।, है वो लोग यहाँ आए सामान उठा के आपने कहा चलो भागो यहाँ से ठीक है बेशक लिगैलिटी का आर्ग्यूमेंट हो सकता है अगर उसमें कोई ड्रग ट्रेड कर रहा है क्राइम कर रहा है ठीक है निकालें उसको ये कहना कि अफ़गान नमक आराम है यहाँ चल रहा है ना यही बात इंटरसैशनैलिटी वाली है ना कि यहाँ बैठ के बहुत लोगों को मैंने सुना है कहते हुए जो कि मीडिया में भी टॉप पोजीशंस पर हैं या थिंकिंग ब्रेंस हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं वो आराम से ये बात कर देते हैं न मगर आम मैं इनके बच्चों को पाला भाई किया क्या था वहाँ पर ये नहीं देखा आपने इट्स वी डोंट लुक आर सेल्व ना मॉडल टाउन में लोग रहते हैं कल को आप और मैं चलें और बोलें चल बेटा निकलो।, निकलो वो लोग बोले मेरा तो बाप ने कभी इंडिया नहीं देखा आप बोलो फ़र्क नहीं पड़ता बेटा निकलो वापस जलंधर चले जाओ बिल्कुल और फौरन जाओ पागल हो पागल तो नहीं होगा दिमाग ख़राब हो गया मतलब उनको तो एक कोई सेंस भी नहीं होगा कि यार मेरे दादा आए थे एक और इसमें देखे ना इसमें इफ इस, तो इस, इस अफगान राइट ना हो जिनके माँ बाप ने कभी अफ़गानिस्तान नहीं देखा हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कल वो काबुल चले जाएंगे तो दैट्स होम फॉर देम और बड़ी बात यह मॉल्टन वाली आपने मिसाल दी अगर इसमें कोई दलित भी हो और उसे कहेंगे जाओ मोदी के इंडिया में तो वो थोड़ा कहेगा कि भाई मुझे तो बचा लो कम अज़ कम तो इसमें हज़ारस भी हैं ना जो हम भेज रहे हैं वापस हज़ारस भी हैं इसमें इसमें खवतिन भी हैं मैं तो कहता हूँ कि इस सत्रह लाख लोगों में से एक भी खातून को नहीं भेजना चाहिए अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी भी। रख <laughs> <laughs> किस तो, लो मेजी देखो सेक ऑफ प्रोटेक्शन मतलब की अगर आपने इतनी इमरजेंसी बेसिस पे उनको निकालना है और आपको कोई सलूशन नहीं मिल रहा तो चलें ठीक है अगर उनके मर्द हजरात चले जाते हैं लीगली अप्लाई करते हैं फिर आ जाते हैं कुड बी अवे है बट आप खुतिन को इतनी बड़ी पॉपुलेशन में वहाँ बैठाने जा रहे हैं जिसकी बच्ची स्कूल जाती है वो तो नहीं जाएगी दोबारा वो तो यही कह रहे हैं ना कि भाई आप घर रहे हैं आराम से आपका क्या काम है बाहर आना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहता है कोई कुछ करियर ओरिएंटेड है ख़ातन का तो कोई भी ड्रीम वहाँ मटेरियलाइज नहीं हो सकता पाकिस्तान भी कोई सेफ नहीं है बट कम्पेरिटिवली तो इसमें आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान की पॉलिसी फ़ेल हो गई बट डोंट यू थिंक जो पॉलिसी मेकरस हैं उनके तो मज़े आ गए अमेरिका से मिलियंस ऑफ़ डॉलर्स दो डेकेड्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए कहाँ आए कहाँ गए हमें पता भी नहीं आपने चेक का जिक्र किया तो वो तो बड़ा मज़ा आया उनको और फिर दे हैव टू पे नथिंग बिकॉज देयर फैमिलीज़ आर वेल ऑफ

ऐसा कमाते हैं? ईरान-इराक वॉर में में दोनों को बेच रहे थे। सऊदी अरब उसमें भी यही किया। चीजें उनको क्या किसी बात की? वो जिनको ट्रेन करते हैं उनको लगता है हम भी अमेरिकन हैं। है। जब ब्रिटिश ने इनको छोड़ा तो उन्होंने अमेरिकन कबू मान लिया

अगर कोई अच्छा काम होने भी लगे तो ये नहीं होने देते तो उसको भी स्टॉल कर दिया तो ये है कि ये रेफ्यूजीज वाला जो मामला है इसमें आप देखें कल वो क्रिकेट मैच जीते हैं अफगानिस्तान वाले आपसे उनके एक प्लेयर ने कह नहीं दिया यू नो दैट हेटर इज़ वेरी एविडेंट कि वो उसने कहा है कि जी ये मैं डेडिकेट करता हूँ उन लोगों को जिनको ज़बरदस्ती वापस भेज रहे हैं वहाँ से उसने क्या बोला आई डेडिकेटेड टू ऑल द पीपल हु आर सेंट होम

अमेरिका में क्या मसला मैक्सिकन आर टेकिंग योर जॉब्स तो पाकिस्तान को भी ये हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं करना हमने एलीट सब्सिडीज़ की बात नहीं करनी हमने रेंट सीकिंग की बात नहीं एस के ना किसी को ब्लेम कर दें आराम से डॉलर क्यों साढ़े तीन सौ का है अफगानिस्तान चला जाता है ये बोल के फिर अगले दिन वो दो सौ अस्सी भी आ जाते हैं तो <laughs> आए हालाँकि उसकी आड़ में कमाते कितने लोग हैं पाकिस्तानी वहाँ जो बैठे हुए हैं जिनकी फार्च्यूनजानवे कंपनीज निकलती हैं जिनकी अब तो हमें इस बात पर उठाना नहीं चाहिए बट इदारे ऑफिशियली बोला कि हमारे लोग इन्वाल्व हैं स्मगलिंग कार्रवाई भी की अभी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी गवर्नमेंट uh, को कि ये ये लोग इन्वॉल्व हैं उसमें सिविलियन भी हैं दूसरे भी सब हैं तो उन्होंने कहा कि ये कर रहे थे स्मगलिंग तो कन्फेशन ही है और क्या है कि होती रही है यहाँ से और इसमें अपीजर्स भी हैं बैठे हुए हैं तो वो तो मल्टा बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है फॉर पीपल हु माइट लिसन टू आर सेंसर नहीं तो फिर क्या करें आप रेफ्यूजीज़ हमारे पास इकॉनमी है ही नहीं हम सत्रह लाख रेफ्यूजीज को कैसे पाल सकते हैं देखिए पहली चीज़ ये है कि ये रेफ्यूजीज़ वो नहीं जो सड़कों में बैठे हुए हैं सारे इसमें से मल्टीपल बिजनेस ओनर्स भी हैं बल्कि ज़्यादा वो हैं मैं तो आप कराची से आए हैं वहाँ जाके देख लें कारोबार मोस्टली आहिस्ता आहिस्ता जो एक्वायर करते गए उसमें पश्तून कम्यूनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है लाहौर के अंदर ना। हाँ मतलब जो वहाँ से भी आए वो भी हैं उसके अंदर ना जो रेफ्यूजीज जिनको आप रेफ्यूजीज़ कहते हैं वैसे वो अपने आप को शायद ना कहें क्योंकि वो कहेंगे इतना अरसा हो गया यहाँ बैठे जिस तरह यहाँ पे महाजरीन आ, वाली डिबेट या, या, है उस तरह ही लाहौर के अंदर भी इस तरह और जगहों में भी ऐसे है तो हैव यू नो काइंड ऑफ क्रिएटेड डेट इकॉनमी जो कि यहाँ पर है अच्छा उसको टैक्स कर लें आप उसको लीगलाइज कर लें या फिर उन्हें कोई तरीका बताएं कि कैसे सिटीजनशिप अक्वायर करनी है उसका भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है अगर कुछ भी नहीं करना एटलीस्ट गिव दम एम्पल टाइम ना इतना तो टाइम देना कि वो एकदम से सामान बांध के वो ना हो जो 47 में इंडिया से यहाँ आते हुए हुआ था तो ये तो अनरियलिस्टिक है ना कि 17 लाख लोगों की अनप्रेसिडेंटड मूवमेंट के लिए 20 दिन कैसे होगी आपके पास ख़ुद रिसोर्स नहीं है इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन का कि हम इसको इंश्योर करें कि यहाँ कराची से पेशावर से लाहौर से उठ के चमन बॉर्डर या अफ़गान बॉर्डर तक वो पहुँचें और सिक्योर भी रहें कोई जॉब भी ना जाए लेट लेट दैम जस्ट क्रिएट इन अफगानिस्तान एटलीस्ट ना कि थोड़ा टाइम तो मिले कि वहाँ जाना क्या है कहाँ है क्या करना है मेरे ख़्याल से तो कम से कम छः महीने का टाइम फ्रेम होना चाहिए था तो अगर इतनी इमरजेंसी बेसिस पे ये करना भी है आपने गवर्नमेंट लेवल की निगोसिएशन होनी चाहिए मेरा ख्याल है कि इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि अफगान तालिबान को प्रेशरइज़ करें कि वो टी टी पी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें आई फील लाइक लोकल ऑडियंस के लिए ज़्यादा है यार ये कि अच्छा मसले क्यों हैं इकानमी के मसले क्यों हैं डॉलर महंगा क्यों है अच्छा ये लोग कर रहे हैं हो सकता है वो भी हो क्योंकि गेमिक्स तो हैं मीडिया स्ट्रेटी तो अच्छी हो जाती है इसमें लेकिन बेसिकली ये एक्सपेक्ट करना कि वो टी, -टी को स्ट्राइक डाउन कर देंगे वो तो नहीं हो सकता अगर आपने ये सोचा तो फिर आप डैश हैं जो जो लोग आपको आपको अकल थी जो थी फिर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तालिबान और मैंने यहाँ वीडियोस बनाई मुझे गालियाँ पड़ी ख्वाजा आसिफ ने कहा तो ख्वाजा आसिफ ने अभी दो महीने पहले कहा है पहले नहीं दो महीने पहले फ्रीडम फाइटर्स हैं वो तो अभी तक नहीं मान रहे इसको सियालकोट में रहते हैं वो इसलिए तो ये है कि जिन लोगों ने ये सोचा कि ये आके अफगानिस्तान की सरजमीन से टेर्रज़म का खात्मा कर देंगे हिंदुस्तान से बात नहीं करेंगे हमारी पॉलिसी वहाँ पर आ जाएगी बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं ख़ुद माना है आपने कन्फेस किया है अभी इस्टेबलिशमेंट अब ख़ुद कहती है कि पॉलिसी गलत थी फैज साहब वाली तो करें प्रेशराइज़ उनको इस तरह होते हैं तो वहाँ पर मजीद बड़ा फैमिन आ जाएगा उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है वो तो पहले ही दे नथिंग टू लूज ना बेसिकली बाहर से एड लेके चल रहे हैं फिर चल लेंगे इस चीज़ को लेके लेकिन आप पे जो फॉल आउट आ, आएगा वो इससे बड़ा आएगा जो थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं वो बहुत डेंजरस हैं मीडिया में नहीं रिपोर्ट हो रही है। फिर बेस्ड ऑफ गॉट यू नो मुझे तो एनिक डोटली लोगों ने बताया कि टी टी पी के प्रॉपर बेसिस हैं जो वो कंट्रोल करते हैं एंट्री एग्जिट इन एरियाज इन द नॉर्थ नाउ एंड टी टी पी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे मच बैक इज दैट ट्रू नहीं उसमें मैंने आपको बताया है ना कि जो टेंडर हैं उनमें उनके शेयर्स हैं मतलब रिटर्न में है कि ये अग्रीड है कि अगर कोई भी इस तरह का सौदा हुआ या ठेका दिया है तो उस पर लोकल कमांडर को ये जाएगा तो वो क्यों कर रही है गवर्नमेंट बिकॉज दे कांट अफोर्ड दैट दम्बार्ड एवरी थिंग जो कि वो इन्वेस्ट करने जाएँ जहाँ पे उसको प्रोटेक्शन देने के लिए दे नीड अ शेयर ये तो हम सोचते हैं ना कि ये शरिया के बारे में जंग हो रही है वो नोट के लिए कर रहे हैं ना उनको मिलता रहेगा सही रहेंगे वो दीपल देयर came out in numbers against them, तो जिस तो yeah. तो तो yeah. तो डब, तरह से पॉलिसी थी तालिबान को लेकर अमरीका के साथ पैसे लिए और कहा नहीं, नहीं ये बड़े बुरे हैं ये है थोड़े से उनको दिए थोड़े से जेब में डाले उनसे ही अमेरिकी कॉनवाइज़ पे अटैक भी करवाया बाद में बी डबल गेम जैसी डॉक्यूमेंट्रीज बनी उसमें एक्सपोज भी हो गए तो यहाँ भी ये है कि अगर अफ़गान तालिबान की दुश्मनी मोल लेनी है तो वो तो अफोर्ड नहीं हो सकती क्योंकि नॉर्दर्न बॉर्डर पर अगर जंग लग गई तो फिर ये कंट्रोल नहीं होनी आपसे नो वी कांट टेल देम टू एक्सटर्मिनेट टीटीपी ना हमने ये सोचा तो कि हम क्यों नहीं कर सकते एक्सटर्मिनेट नहीं हम कैसे करें क्यों गुरीला वॉरफेयर का जो डैमेज होता है आपको पता है आठ हज़ार फाइटर था अब तो दस ग्यारह हज़ार हो गया है आप उनसे डील नहीं कर सकते वो जब कुछ साइन करते हैं वो मुकर जाते हैं हमने मल्टीपल दफ़ा एक्सपेक्ट किया है हमने उनको ये भी बोला आप शरिया अपना नाफिज कर दें अपना चला दें नथिंग हैज़ वर्कड तो क्या करें But they give you a pretext to stay there. If there is lawlessness, you need law enforcement. So number one thing is that, which they need as well. Number two is that if you completely go after TTP, they will persuade TTA to respond to you because TTA also fears TTP. That's because TTP will engage with Daesh Khorasan to dethrone them completely. So this is interconnected. It was very easy to be seen. लेकिन यहाँ पे लोगों ने या आंखें बंद कर ली या लींबरेटली ये किया है नहीं नहीं पेड थिंक टैंक्स पेड पॉडकास्ट कि अफ़गान तालिबान और तेरिका अब बड़े बदल गए हैं अब अच्छे हो गए दिस गुड फॉर पाकिस्तान पॉलिसीज़ अपने आप को जो लोग जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं पॉडकास्ट पे कहते हैं उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट की जो जो लिखा था उन्होंने उस टाइम पर फिर लोगों ने स्क्रीन करके बोला कि इसने ये ट्वीट डिलीट तो यही बात है ना कि ये वही इंटरसक्शनलिटी वाला मसला है कि अगर ये इट इज़ कमिंग फ्राम अ पश्तून परस्पेक्टिव आप ये कह ही नहीं सकते अगर वो वहाँ दूध शहद की नहरें भी बहा देना तब भी आप ये नहीं कह सकते आप ये तभी कहेंगे जब आप आराम से बैठे हुए हैं आपने कभी कोई बोरी बंद लाश नहीं देखी ड्रोन नहीं देखा ये सारा कुछ नहीं देखा वेरी ईजी टू से अच्छे लोग हैं लेकिन अच्छे लोग जब सवात में आ जाते हैं इस्लाम आबाद से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर पेंड गिली हो जाती है आपकी फिर आप कहते हैं मारो इनको तो अगर अच्छे हैं तो फिर अपने लिए भी उसी हुकूमत का इंतखा करें ना कि आप जाए सिनेमा फिल्म देखने के लिए आपको कोड़े मारे वहाँ पर बैठा के आप गिटार बजाएं तो आके उसको आग लगा दें या आप अगर अपनी बच्ची को स्कूल भेजें तो उसको मार के वापस भेजें अगले दिन वैसे ही उठा के ले जाएँ अगर दोबारा भेजें तो करें इस निज़ाम हुकूमत को सपोर्ट और इसको एम्बॉडी करें फिर क्योंकि जिस चीज़ को आप सपोर्ट करते हैं फिर उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए ना ये हिपोक्रेसी जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान की अर्बन क्लास की ये बहुत ही ज़्यादा टू फेस्ड है और वो हमेशा ये चाहते हैं कि वहाँ पे वो मरेन के अंडर रह के हम यहाँ बैठ के देख के खुश हों बड़ी अच्छी फिल्म चल रही है सर ये पाकिस्तान इन पाकिस्तानी स्पेसिफिक नहीं है ये जो यूके में शरिया वाली मूवमेंट जी 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 रहना आपको यूके में रहना है बच्चे आपने अपने यूके के स्कूलों में भेजने हैं सेकुलर सिस्टम को मिल्क भी भी करना करना है उससे सब भी लेने सब है उससे सब और फिर ये बातें भी करनी है सर आपको इतना पसंद है अभी तो अफगानिस्तान में आ गई ना किसी ने यूके से मूव किया किसी ने यूएस में नहीं हाँ बिल्कुल नहीं किया ना अगर हमें जो कहते हैं कि जी देसी लिबरल है जाओ जाके वेस्ट में रहो तो हम कहते हैं अच्छा जी ये आप देसी बर्गर तालिबान हैं आप जाएं अफगानिस्तान में रहें इराक में रहें जाके जब आप रह लेंगे हम भी चले जाएंगे देसी बर्गर तालिबान जो हैं उन्होंने तो कॉन्फ्रेंस भी करनी है रिट्रीट्स भी करनी है मिक्सड उसमें है, ये भी हो सब कुछ हो यूट्यूब भी चलाना है आप भले वो उनकी वीडियो से पहले कॉन्डम ऐड आ रहा हो उनकी वीडियो से पहले कोई ट्रैवल का ऐड आ रहा हो जिसमें नंगी लड़कियाँ उनसे उन्होंने पैसे कमाने तकी उस्मानी साहब ने जो उनके ही मकतबा से हैं उन्होंने फतवा दिया भाई यूट्यूब की इनका आराम है

कि एक ऐसा आदमी जो क्रिकेटर था पहले फिर वो फ़िलानस्रफी में चला गया जो कि बड़ा कारोबार है पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता नहीं है ना ब्लैक मनी वाइट करनी हो इससे बड़ा कोई एवेन्यू है ही नहीं आपके पास कि एक लंगर खाना खोल दो वहाँ पे जो जिस पैसे से रोटी आएगी कोई पूछ ही नहीं सकता आपसे कहाँ से आ रही है तो वो सारा कुछ किया तो बाद में लोग मजाक उड़ाया करते थे कि एक सीट की पार्टी है इसकी क्या औकात है मामूली सा कप्तान है शेख रशीद ने कहा था ये बाद में वही शेख साहब अब उसके लिए मारे खा रहे हैं बैठ के So, journey of his personal empowerment is very good, but uh, the way he is exploiting and dumping down the audience, that's not what Nietzsche meant, meant actually, because he was against mass politics and persuasion and handing down your brain to people. So, yeah, in context. Can Nawaz Sharif actually improve relationships with India? Yes. I think he has tried his best, uh, but I think establishment has to be on board otherwise. Uh, Don't you think the establishment is now on board? अगर वो कोशिश भी करना तो जो ब्रेन पैदा हो गया अंदर वो जो है वो इटर्नली फोबिक है इंडिया को लेके उसकी वजह ये है कि जब नाइनटीन एटीज़ के अंदर पी एम ए के अंदर जब तबलीगी जमात के सेशन शुरू हुए जो कि एटी फाइव के बाद आके आसिफ नवाज़ ने बंद कराई कि ये तबलीगी जमात नहीं बनानी ये फौज है तो वह जब ब्रेन उस टाइम अर्ली स्टेज़ पर था आज वो डिसीजन मेकरज हैं आप उनसे जाके बात करें वो देसन टू एनी खान ने नहीं हम मोदी के खिलाफ हैं। out, के है, think, करते हैं क्या हम इंडिया से बात करें भाई अब वो तैयार हैं बात करने के लिए आपसे वो तो दौर गुजर गया नाइन्टीज़ का जब व्हाट आई एम सेइंग कि हम चाहते हैं इवन कल मीनार पाकिस्तान पे हम कहते हैं अगर नवाज शरीफ को लाया गया है बॉयज़ का कैंडिडेट है बॉयज बॉय बोई है सब कुछ खुलकर उसने मीनार पाकिस्तान पर बोला ना कि मैं अच्छे करूँगा रिलेसनशिप तो वन शुड should... सर वो तो वाजपेई को ले आया था ना यहाँ पे उसने तो मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर पाकिस्तान को तस्लीम करने का आई थिंक शबाज़ शरीफ ने यह कहा है ना क्या आई थिंक ही वाजपेयी पता नहीं मैंने शबाज शरीफ वाला नहीं देखा लेकिन वो प्रैक्टिकली आ गया उसके बाद कारगिल हो गया ठीक है और वो मुंबई अटैक्स वाला भी आप देख लें क्या सूरत हाल है तो उसमें अगर ये पैरेलल स्टेट ऑन बोर्ड नहीं होगी तो वही मोदी साहब वाली बात है कि बात किससे करें पाकिस्तान में सेनापति से करें या वज़ी अजम से जो भी वो कहते हैं तो ये मसला सॉल्व कर लें बट मेरा ख्याल है कि अब वो हमारे पास बारगेनिंग चिप नहीं है अब हम उस पोजीशन पे भी नहीं है कि आप कहें कि आए बात करते हैं वो कहेंगे आप कौन है भाई नहीं करनी बात आपसे मैंने ये नहीं देखा uh, किताबें उनकी एक पाकिस्तान पर उनकी बुक है शायद uh, अभी पढ़ी नहीं है लेकिन उनके लेक्चर्स देखे हैं एक वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका वहाँ पर डिफेंस था एज अ लॉयर उसको देखा था लुक डब इट रैशनल आई थिंक इज ऑन द राइट विंग राइट तो लेकिन मैंने पढ़ा नहीं काम उनका आई एम लुकर्ड टू रीड ए हाँ मैंने भी नहीं पढ़ा उनकी कुछ मैं

कुछ कर लें दूसरी बात इकोनॉमिक मॉडल भी सूटेबल नहीं है ज्यादा पैसा जो है वो कराची इस्लामाबाद देता है और जो है वो बड़े बड़े, बड़े बिजनेस टाइकून चैनल खोलते हैं तो वो अपना इंटरेस्ट बचाना उनका एंड हैच की बात करना एंड नहीं है किसी ने पूछा करोला है अब तक? Wrong, द वे पीपल कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन कर्बिंग दिस menace, आई थिंक आप तो लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब लोग कहते हैं 2018 में इलेक्शन फेयर हुए थे तो आप 2017 से 18 वाला पीरियड भी देखें ना।, ना कल को अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करते हैं जिसमें कोई बैलेट स्टफिंग नहीं कर रहा बट एनी वन कॉल दिस इलेक्शन फेयर क्या झील में और जो हुआ है नहीं क्योंकि जुमरे में आता है ना कि अगर पहले ही लेवल प्लेंग फील्ड नहीं आया तो उसके बाद क्या फेयर इलेक्शन होना है एक हुआ था सेवेंटीज़ में वो भी इसीलिए हुआ था कि या साहब को जो रिपोर्ट दी गई थी आई सी की तरफ से वो गलत थी बाद में वो तब गए इस बात कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मुझे लगा कि वहाँ पर कोई ना कोई बैलेंस आ जाएगा लेकिन वो मुजीब तो सूई भी कर गया तो इसीलिए अलाउ किया उन्होंने किन उन्होंने बोला था किन के थे वो जिनको उन्होंने बोला था कि ज़रा देखें हाँ नहीं जनरल मोहम्मद उमर को बोला हुआ था अच्छा वो हाँ जी 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 बिल्कुल हाउ रिलीजस एंड साइंटिफिक स्टडी कैन बी मैनेज इन स्टेट्स लाइक पाकिस्तान रिलीजन अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ईच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इस वजह से मेरा भी एक जवाब है कि आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग अपराल्टी ऑफ ओपिनियन हम जो वो एक वी मेड रिलिजन इं टू अ थिंग दैट के नॉट भी टॉक अबाउट दैट के नॉट बी डिस्कस दैट के नॉट बी स्टडीट तो उसका मसला ये होता है कि जो क्लैरिक कहता है इस्लाम है वो सब मान लेते हैं इस्लाम में कोई ये नहीं पूछता चाचा जी हदीत ऑथेंटिक है क्या है so once we start accepting the fact that there is a plurality of opinion and start respecting that we'll uh, treat religion much better I, i, agree i agree as well but ye basically to secularity ka issue hai na jo hamare political spectrum mein media landscape mein kahin bhi nahi hai kyunki humne iski mixation ko jo hai wo sop banaya hua hai isko separate nahi kar sakte abhi wo banu mein jo hua hai किसी professor से उन्होंने जो है ना stamp paper पे लिखवा लिया है कि आप यहाँ बताएं कि female education नहीं होनी चाहिए और evolution जो है वो दो नंबर चीज़ है तो ठीक है ग्यारह लेवन ने भी माफ़ी मांग ली थी लेकिन दिल में यही कहा था कि एंड पे साबित हो जाएगा फिर नाइन्टीज़ में चर्च ने उनसे अपोलोजाइज किया ये भी करेंगे अपोलोजाइज आगे जाके बट इस ये तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है वो बोगस है पाकिस्तान के जो सारे टीचर हैं हर स्कूल में आप साइंस पढ़ाते हैं वही चीज़ें पढ़ा पढ़ा, है। रहे हैं वही चीज़ें आप लोग पढ़ाते हैं उस चीज़ की आप बात करते हैं जो एक बनों में की आप क्यों नहीं खड़े उसके हक के लिए जबकि एक मॉब ने बोला है कि अगली दफ़ा बी कुछ इस तरह का हलफनामे में भी, भी लिखा होता है ना कि मैं जब अगली दफा करूंगा तो मैं खुद जिम्मेदार तो हाँ। वो, वो में बैठे हुए हैं ना आपके पास एक मेडिकल कॉलेज है एक दो और जाके पूछ लें आपको डॉक्टर्स बताएंगे कि जो सारी सूडो साइंटिफिक थियोरीज है ना डॉक्टर्स बोलेंगे कि हाँ सही है ये मैंने तो किसी हद तक यही देखा इस तरह की बात है नहीं वो कहते थ्योरी ऑफ एवल तो थ्योरी है नहीं सिर्फ एवोलूशन पे बात नहीं कर रहा देर दे वो उनकी वो साइंटिफिक अप्रोच टू थिंकिंग नहीं होती वो बहुत ज़्यादा मैंने तो अक्सर एक ऐसे भी आपको देखे हुए हैं जो स्परिचुअल इलाज जो है ना वो आपको दवाई के अलावा रिकमेंड कर रहे होते हैं कि एम बी बी एस हुआ होता है तो ये डिपेंड करता है सोशल साइंस कभी पढ़ाई नहीं एक्सपोजर नहीं मिला तो खाली डिग्री करके तो नहीं ना साइंटिफिक होते हैं आप आज किम अबाउट द वॉसिसजीज बट डज ही एट द सेम टाइम रियलाइजमोर्स आई थिंक देर इज़ नो इकोनॉमिक मॉडल इन द वर्ल्ड विदाउट ईवल्स ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना ये तो कोई परफेक्ट जो कह सकते हैं कि निकल आए कोई निज़ाम ऐसा वो तो नहीं है इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ तो ये मार्क्सिज्म को लेके जो उसका कलेक्टिविज्म का जो इशू है वो कुछ लोग उससे एग्री करते हैं कि होना चाहिए मैं नहीं करता बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाइंद्री में हूँ कि ये बुरा है तो कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है हर चीज़ के जो है ना वो आ, कह सकता हूँ कि वो ब्लोबैक्स हो सकते हैं इसके भी हैं बट मुझे ये लगता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखें और चीज़ों को देखें तो जो डाटा और फैक्ट्स हैं वो अंडर सोशलिज्म आप कंपेयर करें स्कैंडिनेवियन गवर्नमेंट्स के अंडर कर लें और जगहों पे कर लें तो थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई देगा तो मेरा ये डिपेंड ये करता है कि आपको चाहिए क्या अगर आपको पर्सनल एजेंसी चाहिए इंडिविजुअलिज्म चाहिए तो वो कलेक्टिविज्म में नहीं आ सकता तो इसीलिए मैं इकोनॉमिक मॉडल्स को इतना एक्सपर्ट लेंस से नहीं देखता ना मेरा वो फील्ड आई थिंक अब बाइनरी नहीं भी है ना अब जो स्कैंडिनेवियन मॉडल्स हैं हाँ वहाँ तो डेमोक्रेटिकोशलिस्ट मॉडल मॉडल्स हैं लेकिन ये कहना है कि दुनिया में सबसे अच्छे हैं हाँ बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ लोग उसको इसलिए ऑन करते हैं कि देखें ये मार्क्सिज्म से, निकला है, तो मैं नहीं, कि उस तरह से नहीं अब तो देखो अब जिस तरह चाइना है सो yeah, so, so, वो भी तो है ना कि अब ये भी लोग बोलेंगे एक स्टेट, बन गया था आई थिंक ये थोड़ा एक अनफेयर कंपैरिजन होता है कि उन्होंने बंदे मारे उन्होंने बंदे मारे ह्यूमन अब्यूज इज नॉट इंट्रेंसिक टू अस्टम दैट के सर्टन टाइम्स आप लीडरशिप जो है वो जो हरकतें करे हाँ वो पर्सनल भी हो सकती हैं सालिन का जो दिमाग ख़राब था बेसिकली वो मार्क्स ने तो नहीं कहा था मार दो जाके बट वो आ, सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रांसफरेंस ऑफ पावर की अगर कोई चीज़ रिटर्न डाउन नहीं है तो उससे ऑटोक्रेसी निकलेगी मोस्टली क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैंने कब जाना है बैठा हुआ रीजन पिन निकाल दें उसको जाके कैसे निकालेंगे तो स्कैंडिनेविया के अंदर ये है कि सबसे बड़ा जो क्लास का आर्ग्यूमेंट होता है ना उसका तो लफ्ज़ ही नहीं है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर क्लास का है ही नहीं सीन ना उसमें कि वो यूनियनाइज करना है और यूनियंस तो खैर हैं उस तरह से बट unions, हाँ लेकिन क्लास का उसमें आर्गुमेंट एजुकेशन फ्री है सोशलिस्ट आइडिया हेल्थ फ्री है सोशलिस्ट आइडिया इनफैक्ट हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो नाइन टू फाइव वर्क डे इज अ सोशलिस्ट आइडिया ट्रेड यूनियंस आर अलिस्ट आइडिया तो कहता था कि काम कराओ जितना काम कराना है बीस घंटे कराओ चौबीस घंटे कराओ तो यही तो चीज़ मुझे मैं यही चीज़ तो देखता हूँ कि एटलीस्ट देर इज सेल्फ करेक्शन मैकेजम हो जाता है अमेरिका से हुआ वो वर्क वीक आठ घंटे का वो सारा लोगों ने किया अल्टीमेटली यहाँ भी लोग ही करेंगे मे बी अब अब यूके में अगर आप लंडन में बैठे हुए लाइक इफ़ आई इफ जेरीमी कॉर्बिन वज अ कैंडिडेट एंड बॉरिस जॉनसन वॉज अ कैंडिडेट मेरे लिए क्लियर है मैं दोनों में से किसके वोट करूंगा इससे आई डोंट थिंक इतना वो रेलिवेंट है कि कॉर्बिन मार्क्स रहे जैसे सिंपल पॉलिसीज देखो मैं 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 अगर अमेरिका में होता मैं प्रॉब्लम बर्नी सेंटर्स को सपोर्ट करता नहीं इतनी आइडियलॉजिकल तो पॉलिटिक्स हो भी नहीं ना रही इस तरह से यही मेरा पाकिस्तान की लेफ्ट से थोड़ा ये मसला है कि अगर आप घर में बैठे बोल रहे हैं कि तुम लैंडन स्टो यार जिसके घर में पानी नहीं आ रहा ना उसको नहीं फर्क पड़ता कि मैं एक नहीं। साथ नहीं, <laughs> नहीं बैठ सकते <laughs> तो जो पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव्स हैं उनको एक, एक ब्रॉड बेस कंसेंसस अगर बना रहे हमारा मसला यही है हमारे दो मिलियन लोग बॉन्डेड लेबर है इस पर तो आप सारा साथ बैठ जाए ना कि यार बॉन्डेड लेबर हम लोग खत्म डेमोक्रेट

मेरा ख्याल है तीसरे चौथे दिन उनको जो है ना वो छोड़ा था इससे पहले पता नहीं नब्बे दिन या कितने दिन रख के तो इनके दो दिन भारी पड़ गए थे मीडिया पे डिबेट तो होती नहीं है ना मेन स्ट्रीम उस तरह से बाकी अख्तर मैंगल साहब की जो बात है बलोचिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ से वो पोलिटिकल क्लास इमर्ज कर रही है जो ना बलोच को प्रजेंट करती है ना पश्तून को काकड़ साहब को आप देख लें बलोचिस्तान से हैं पश्तून हैं बट वहाँ के जो इंडिजनस ग्रीवेंस हैं वो उसके लिए नहीं आए लेकिन हमें एक मिल गया कि देखें यार ये बंदा वहाँ से आया छोटे सूबे का है तो हमारा वो छक्का लग गया कि देखें जमाली भी प्राइम मिनिस्टर का वैसे भी और चेयरमैन सैनट को देख लें वो भी वहीं से हैं और उनका भी यही रोल है भी हाँ है। तो वो भी कैसे बयान दे रहे हैं आपके सामने है। तो सबसे बड़ा मसला यही पोलिटिकल एजेंसी का है कि नॉर्मल जो एक आम बलोच है उसको रूल नहीं दिया जा रहा उसको इकतदार में आने दिया नहीं जा रहा ये जो एक डिसजेनस आर्गूमेंट होता है कि भाई पोलिटिकल क्लास इमर्ज नहीं हुई इसलिए इस्टेबलिशमेंट आ गई वट योर था ऑन दैट कि जो पोलिटिकल क्लास जेनवली इमर्ज होती है स्टूडेंट यूनियन उन पर गोलियाँ चल जाती हैं फार्म फार्मर्स यूनियज उन पर गोलियाँ चल जाती हैं ट्रेड यूनियन दों दों को बैन हो जाता है तो कहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हैं एक पोलिटिशन पैदा होगा पाकिस्तान में जब आप पॉलिटिकल क्लास होने नहीं देते नेशनल असेंबली आपका जब मूड हो आप बंद कर देते हैं बिल्कुल नहीं उसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट तो ये है ना कि सरदारी निज़ाम वाला कि वहाँ से सरदार जो है वो किसी को आने नहीं देते आगे और उनका एक बड़ा जारादारी है और वो डेवलपमेंट नहीं होने देते तो सरदारों को फंड देना भी पाकिस्तान की स्टेट ने शुरू किया था ना नहीं तो हम कौन से ग्रीक सिटी एथेंस पॉलिस वाले आए ना पूरा सब कॉन्टिनेंट क्या था हम कौन से नेशन स्टेट्स की हमारी की हिस्ट्री है यही थे ट्राइब्स ट्राइब्स थे ट्राइबस थे हम और क्या था था लेकिन इनको डेमोक्रेटाइज नहीं किया ना हिंदुस्तान ने कर लिया हमने उन्होंने कहा इलेक्शन लड़े हैं आप तो हमने कहा कि प्रेवी पर्स ले लें आपको वजीफ़ा मिलेगा आपने एक बंदा नॉमिनेट करना है वो एम बन जाएगा आवाम से तो पूछा नहीं क्या हुआ तो उस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया उस वजह से जनवन पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं निकली दूसरी बात ये कि मेजॉरिटी अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंडर आता है बलूचिस्तान उस वहाँ पे पॉलिटिकल जो है वो है ही नहीं क्या कहना चाहिए उसको जुरस्डिक्शन तो इसीलिए उधर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट आ जाएगी जहाँ जब वहाँ इलेक्शन ही नहीं होता इलेक्शन थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट पे होता है इतने बड़े सूबे के कराची में आपको पता है कितनी रेशो है मेयर कराची का जो मैंडेट है आई गेस फोर्टी परसेंट नंबर नहीं नहीं ये नहीं, 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 नहीं कह रहा।, रहा मैं कह रहा हूं कि मेयर कराची सिर्फ 40% कराची पे रूल करता है ओ oh, हाँ <laughs> हाँ हाँ वो तो कंटोनमेंट एरियाज है ना <laughs> तो वो इतने मतलब इतना बड़ा एक सेटअप है जो सिस्टम से बाहर है तो ऑब्वियसली फिर जेनवन पॉलिटिकल मूवमेंट तो नहीं आ सकती <laughs> ना इसलिए तो मुझे फ़नी लगता है ना कि जब आप डी में पानी आ जाए तो आप गवर्नमेंट को गाली देते हैं फिर पूछ तो लो गवर्नमेंट के अंडर आता भी है या नहीं आता वाई साइंस फ्रीकुन एसोसिएटेड विद रिलीजन इन आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर हर जगह ही है बिकॉज अप्रोच टू ट्रूथ डॉगमेटिक हम कोई नहीं देख सकते कि कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है सब्जेक्टिविटी का हमें आइडिया नहीं है सबसे बड़ा मसला वो रेफरमेशन नहीं हुई जो शायद क्रिश्चियनिटी में हो गई यहाँ पर वो इश्तहाद नहीं होने देते इस्लाम की भी जो रैशनल सेंस है उसको प्रवेल नहीं करने देते आप ये देखें जो मुताजिलाइट्स की फ़िलासफ़ी थी किसी हद तक रीजन का रैशनैलिटी का साइंस का स्कोप uh, था उसके अंदर तो हम ये समझते हैं कि जो आशारी थिंकिंग है अभी ये खैर बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट है बट डोंट यू थिंक ये थोड़ा एक अनफेयर है कि हम तब से हमारी एक हिस्ट्री ड्रॉ करें जबकि हम पास फ्यू डेकेट देखें इवन uh, कलोनीज़म uh, के अंडर देखें या उसके बाद देखें अफ़गानिस्तान पाकिस्तान हॉट बेड जो इस्लामिक जहाज जो हैं पहले तो बड़े प्रोग्रेसिव थे जब तक अमेरिका ने और सऊदी अरेबिया ने मिलियंस डालना नहीं शुरू किए पेट्रो डॉलर्स जब आए और उससे इस्लामिक जिहाद वाज नॉट अ सेंट्रल नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान प्रीज एट ऑल इवन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की टर्म भी 80s में पॉपुलराइज हुई उससे पहले थी ही नहीं तो शोर आप टू नेशन थ्योरी से एक बात करना शुरू कर सकते हैं 100% नहीं अब जो यहां पे प्रिवलेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है ना वो वहां से ड्रा करती है कि

बाकी पाकिस्तान आज भी खान साहब किताब में लिखते हैं हम तो मार्शल दिस इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ ये तो उन्होंने आपको कैटेगराइज करने के लिए कि अच्छा पंजाब और के पी से बंदे उठाओ बंगाल जो हैं वीक हैं कमजोर से है, हैं सही बात इनको फैमिल में रखो वही हमारे स्टेट ने डॉप कर लिया फोर्टी सेवन टू सिक्सटी वन के तो कमज़ोर से वीक से इनको तो क्या है सो दीज कॉलोनियल आइडियाज वट वी नीड टू रिजेक्ट एज अपोज टू एक्सेप्टिंग दैम एंड प्रमोटिंग दैम इवन मोर वेल आई एग्री बट ये हमें इस रैलम को सेपरेट करना पड़ेगा ना ये साइंस वाले और आइडियोलॉजी के जो क्वेश्चन है उनका कि अगर इसको नहीं करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा अब खान साहब ने आके रियासत मदीना का लफ्ज़ बोल बोल के उसको टॉन्ट बना दिए अब मैं और आप अगर टॉन्ट करेंगे रियासत मदीना का नाम लेंगे उन्होंने इस इस नैच पर ले आए हैं उसको इस्लामिक टच ही है वो तो पॉलिटिक्स में इसको ड्रैक करके आपने नुकसान ही पहुँचाया मलाला की तस्वीरें बुक में आएँ तो वो कॉन्फिसकेट हो जाती हैं छापे पड़ते हैं वहाँ पर और वो न्यूटन को तो बटा पहना दिया था पंजाब टैक्स बुक बोर्ड ने कि ये लड़की है शायद इसके बाल लंबे हैं तो साइंस की किताबों के साथ ये कर रहे हैं वो वो तो जब आप शार्लिट को इंटेलेक्चुअल्स बना देते हैं और क्या होगा अब जिस तरह कोई कहता है ज़मीन साकिन है अब क्योंकि वो एक मौलवी है पीपल वुड से एक ब्लैसमी है कहना कि जमीन घूमती है जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है तो कोई नहीं डिनाई करता है। मेरे ख्याल से फ्लैट अर्थर्स भी ये नहीं बोलते कि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी वो जो हमारे एक इस तरह क्लैरिक बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे थे हैं। ये किसने कहा आपको ज़मीन ये ये वाली आ, है ना, ना, नहीं। वो वाली किताबें भी कोर्ट कर रहे थे आ, हाँ। तो ये है कि आला हजरत ने हाँ ऐसे लोग खत्म नहीं हो सकते अमेरिका में भी नहीं हुए ना वो एंटी मास्कर्स भी हैं और भी हैं सारे मून लैंडिंग के डिनायर करने वाले हैं मसला ये है कि जब ये लोग स्टेट बन जाते हैं फिर ये डिबेट अब हमें भी बहुत से लोग खर छोड़ें वो तो बात पर और कर सकते स्टेट इनको इस्तेमाल करते हैं अपने एजेंडा के लिए हाँ तो इसलिए इनकी रेलिवेंस बन जाती है बट एट सम पॉइंट दे गेट स्ट्रागर देन स्टेट सेल्फ तो अगर वो सड़क पर आ जाएँ जिस तरह से सिटिंग आर्मी चीफ को वो मौलाना अशरफ जलाली साहब ने कह दिया कि ये तो एम दी हैं एंड ही हैड टू रन फॉर इज मनी बिकॉज दे आर स्ट्रांग दे कैन टेक यू डाउन चाहे आप कोई भी हैं सिटिंग गवर्नर को अगर गोली मार सकते हैं भाई तो हम हम आप क्या चीज़ हैं

ने मुझे अच्छा जवाब दिया था, मैं एक पूछा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो क्या फिक्स करेंगे तो, बोला, मैं अगर बन गया तो आधी चीज़ें वैसी फिक्स हो गई अगर इस मुल्क बना दिया है ठीक हो चुकी है तो

मसाइल बाद में मसाइल भी क्रिएट हो गए कि आपको पता है कि ये आग है जो फैल सकती है और उसकी वजह ये है कि वहाँ शीया सुनी महंगा आग फैल सकती है तो आपने कंट्रोल करना है ना मैं तो नहीं इसमें फ्यूल डाल रहा तो ये है कि हम तो हमेशा बात करते हैं गलगत से बहुत मैसेज भी आते हैं कि लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे इतने प्रोग्रेसिव लोग मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखे लोग कराची की बात करते हैं और जगहों की आप हंजा जाएँ लगेगा नहीं पाकिस्तान में खड़े हुए हैं खवतन कारोबार चला रही हैं मर्द बाहर फिर रहे हैं एक लगता है जैसे मेटरी आर की आ गई है भाई वहाँ पे तो इनफेक्ट हंजा में कुछ लोगों ने बोला कि क्योंकि टूरिस्ट पाकिस्तान से अर्बन सेंटर से आ रहे हैं अब हम हाँ अपनी औरतों को बोलते हैं सड़क पे ना चलो इनके आने से पहले तो कोई टेंशन नहीं थी सब को चलो चित्राल चार्थ में देख लेना वहाँ जाते हैं वो जो लोकल कलाशी कम्युनिटी है उसकी वीडियोस बनाएंगे बच्चों की हाँ वो लाइक ट्वेल्व थर्टी फोर्टीन ईयर अवेयरनेस नहीं है ना लिटरिंग करेंगे ये सारा कुछ तो वो तो नहीं किया बहुत जो प्रोग्रेसिव आइडियल्स थे वो मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे क्योंकि जो एटीज में जया साहब ने किया अब उसका रिजल्ट भुगत रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता

दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस की जो पर्ची होती है ना उसमें नन ऑफ दी अबव का एक सेक्शन होना चाहिए और उस पर लवाम जाके ठप्पा लगाएं ताकि एक मैसेज कन्वे हो कि भाई आप सारे फारे गए कोई भी हमारी बात नहीं कर रहा तो मुझे तो सिविल डिसोबीडियंस थोड़ी पसंद आएगी इस टाइम पर उस तरह की तो नहीं है लेकिन बॉयकॉट मूवमेंट का मैं तो हामी ही हूँ इलेक्शन की जहाँ तक बात है मैंने और दिल भाई ने प्लान बनाया हम पार्टी बनाएंगे लिया आफ्ताब सईद के साथ जिसका नाम होगा आफ्टर पार्टी

ये 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 मैंने आपको specially कहा था, <laughs> <पूछना> है ज़रूर <आपको>। पूछना <laughs> अच्छा आप अच्छा ना भी भी नज़र काफ़ी लोग पूछते हैं 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 वो कभी भी हैं, आप। किसी ने ने पूछा था था आपका जब के हुआ मैं मैं उसमें आ गया लोगों मुझे ऐसे मैं, यार ये आपने क्या किया आप इतने -सीरियस बैठे हुए थे मैं क्यों भाई वॉरफेयर के मोड में होते हैं मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप सीरियस बातें करते हैं फिर साथ कॉमेडी करते हैं तो आप <laughs> लोग नहीं कभी ऑफिस जाते हैं फिर अपने साथ दोस्तों के मारते ही होंगे ना कहीं ना कहीं कहीं हम नाम कैमरे पे प्रैक्टिस करते हैं ऐसा हर जगह बैठा रहे पंजाबी ही लिखा होगा वाई डिड ही लिखा हुआ है तो नहीं किया नहीं तो वैसे तो आप वैसे किसी भी पंजाबी लेबर को मार देते हैं उसको हैं। तो करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए मैं तो यही कहता हूँ कि जो स्टेट ने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है उसके बाद ही ये सारा हेटरेट निकला है ना हम तो सारे के खिलाफ हैं कि वहाँ पर पंजाबी भी सिक्योर रहे पशतून बलोच भी रहे माई फादर Uh, जब ग्रोइंग अप वो तो बहुत रिलेटेबल uh, होता है बिकॉज ही वॉज अ जर्नलिस्ट एट एट सम पॉइंट और पढ़ने वगैरह का शौक़ था उसके बाद में दीज फिलासफ़र जड़ाए हाईली एग्जैजरेट जो लोग कहते हैं जर्मन फिलासफर मेनली है लाए थे वैसे अपने साथ तस्वीरें ने बोला पीछे लगा बैठूंगा ना यार भाई यार कहीं तो रहने दो वो एक पड़ी हुई है इधर पोस्टर सही नहीं लगानी चाहिए थी फिर तो मैं जो है वो किसी दो लिए चार लिए भी पूछा है कि किसी आप रिलीजियस स्कॉलर को फॉलो करते हैं हैं आई थिंक इंजीनियर की कुछ वीडियोस देखते मिर्जा साहब को करते हैं फॉलो मिर्जा साहब आपको भी फॉलो करते हैं हाँ वो कॉमेंट्स वगैरह करते हैं वो एक एक तीन चार लोगों ने यह भी एतराज़ किया हुआ था कि ऐसे लोगों की वीडियोज में मिर्जा साहब कॉमेंट करते हैं इनका अपना सारा काम खराब हो रहा है इसलिए I, what what's your opinion on Jina Mamre के mera? Well, I think he's a force to reform uh, the internal menace of our religious uh, elite, basically. किसी हद तक जो मार्टिन लूथर वाला काम है वो करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में मैं समझता हूँ नहीं रहना चाहिए उनको क्यों अब आप जो है इस तरह की अपनी जान देके क्या साबित होगा कुछ भी नहीं होगा गांधी साहब बन जाएं चले जाएं। सर मतलब हम भी तो जिंदा हैं हम रहे रहे हैं और हम तो फिरते हैं। I think मेरा ख्याल हैं हैं तो हैं और घूमते फिरते क्योंकि जा चुका हूँ ना तो उनके लोगों ने मुझे बताया कि संडे आते हैं बयान देते हैं बाकी पूरा हफ्ता कहाँ होते हैं हमें भी नहीं पता मैं सुना बाइक पे आते हाँ बाइक पे आते हैं लेकिन दैट्स अनबिलीवेबल आई मीन अ मैन हु हैज बीन हेलमेट पहनते हैं ना तो बट स्टिल यार <laughs> वो कौन था वो जो उनकी एकेडमी के बाहर चला गया बंदा बट उधर है सिक्योरिटी अगर आप अंदर अंदर आ रहे हैं तो उधर वो चेक-वेक करते हैं मेक्योर करते हैं मेटल डिटेक्टर भी है So, जो बयान वाला एरिया है वेयर पीपल आर पब्लिक आर अलाउड बट आई विल स्टिल से अगर देखें ना उनका ऑफ कोर्स रिस्की है इज टेकिंग आउट उनका, उनका, उनका बेसिक देखें YouTube से अगर वो लोग समझ रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाई है उन्होंने बड़ा चेंज आया ही शुड कंटिन्यू डूइंग दिस एंड ही कैन डू दिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड ना बैठे हुए अमेरिका में क्रेडिबिलिटी तो हर्ट होती है आपकी यार देखें ना सर्वाइवल भी तो होना चाहिए ना खाली सर्वाइवल भी ना हो तो फिर बंदा बट आई डू थिंक कल को अगर लेट्स मैं कनाडा में बैठा सारा दिन पाकिस्तान की बातें कर रहा हूं नाउ दैट्स डिफरेंट सो so, वो एक क्रेडिबिलिटी आपकी हर्ट होती है गांधी साहब की भी आई फील या सोशल मीडिया उनको भी थ्रेट्स मिलते रहे ना वो आए भी दोबारा तो दो तब भी बट उनका इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान कम तो हो गया है नहीं डोंट यू थिंक सिंस हीस लेफ्ट ही वाज अ लॉट मोर इन्फ्लुएंशियल व्हेन ही वाज हियर मैंने ये चीज नोटिस की है कि रिसेंटली द मोस्ट व्यूड क्लैरिक इन पाकिस्तान इज डॉक्टर इरार रिसेंटली या इवन नाउ यस

जिसकी uh, जिससे जिस आइडेंटिफाई जैसे ये कहना कि तमाम किस्म के आइडियाज़ को आज़ादी होनी चाहिए माशरे में uh, क्या कहना चाहिए कि प्रोसेलिटाइज़ करें अपने व्यूज़ को uh, फैलाएँ आगे तो आई डोंट अग्री विद दैट। और द लास्ट थिंग दैट दैट विल रोल बैक द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल क्योंकि अगर वो कहने की आज़ादी होगी तो उस

जवाब देखा, देखा।, देखा।, देखा वो एक झंडा था जिसपे कलमा लिखा हुआ था एंड पीपल की रैली हो रही है बोला शाहदा लिखी हुई है किसी ने कलमा लिखा हुआ था काले फ्लैग पर बट जस्ट बिकॉज आईस एस मीन आई फ्लैग पता नहीं अब ये यूके वाले का तो मैंने नहीं देखा जो अमेरिका वाला है उसमें एक ट्रक में बैठे हुए थे और वो चार्टस भी थे नारे और ये सारा कुछ मैं खैर वो बड़ी उसकी लूज़ एग्जांपल है बट बेसिकली लिबरलिज्म की जो रीसेंट फॉर्म है उसमें तो एक नेगेशन ऑफ रैशनैलिटी भी है ना बीच में कि कुछ भी उठ के क्लेम कर दिया है अब बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाएंगी लेकिन वो आपने एक्सेप्ट करना है बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी सेट दैट्स वाई आई एल पुट वर्ड्स इन योर माउथ यू हैव टू सेट अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा ये कर देंगे वो कर देंगे तो आप जॉर्डन पीटरसन वाली बातें कर रहे हैं दैट दैट इज सजेस्टिंग जॉर्डन पीटरसन के तो मल्टीपल बातें हैं मुझे नहीं पता किसकी हो रही है उसमें से बट ये कि मेरा ख्याल है कि लिबरलिज्म विद पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स एक चीज़ होनी चाहिए ठीक है ना क्योंकि जिस तरह सोशलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लोग कहते हैं ना तो यहाँ पर भी आके वो अप्लाई नहीं करना चाहिए फ्रेमवर्क के बिल्कुल वो है तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा फाशी फैलाने लगे हैं और एक लिबरटीनज़म को मिक्स किया हुआ है मेरी एक वीडियो भी है इसके अंदर के वो जो पर्सनल लाइफ की आ, फ्रीडम्स हैं उसको एक पॉलिटिकल फ्रीडम से एक वेट कर जिस तरह जना साहब को लोग कहते हैं भुट्टो साहब को लोग कहते हैं मैं नहीं समझता देवल लेबल पीपल पोलिटिकली क्योंकि वो तो लजस्लेटिव एविडेंस क्या है उसका क्या है भुट्टो साहब ने क्या लेजिस्लेशन ऐसी की जिसे लगा कि ये बहुत लिबरल आदमी है कुछ भी नहीं किया इनफैक्ट अपोजिट करके गए इस तरह ही जना साहब हैं कि एक ऐसी आ, ऐसे मुल्क की तहरीक चला रहे थे जो कि एक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड था तो ये कहना कि मैं लिबरल आदमी हूँ इसलिए कि मैंने घर में जब मैं चैफ्ट रखा हुआ था या फिर मैंने पारसी लड़की से शादी की तो ये तो नहीं स्टैंड करता आर्गुमेंट तो ये वो चीज़ें हैं कि अब आकर वैसे भी मैं किसी को अपने आप को कन्फाइन नहीं करना चाहता किसी इज़् में बट आई सी थिंग्स इन अ रियलिस्टिक लेंस के वो, जो भी रीज़नेबल लगे वो कर लेता हूँ इसीलिए मेरी पैलेस्तिन वाली टेक पे भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई आफिया सदीकी वाली पे भी हुई जबकि उस पर मेरा ये पॉइंट नहीं था कि मैंने ओवरऑल एक आपको सिम्प्लीफाई करके देना है बारह पंद्रह मिनट की वीडियो में पैलेस्तन का मसला कहाँ हो सकता है आपने किया ना घंटा लगाया आपने पूरा लगाया ना तो मेरे से ये एक्सपेक्ट करना कि मैं एक एक चीज़ उसमें बता दूंगा वो तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है वट आई ट्राई टू से इज़ सर्टन पीपल इन पाकिस्तान सपोर्ट्स हमास तो मैंने उनको सिर्फ एक रियलिटी चेक दिया कि भाई सपोर्टिंग हमास इज़ अगेंस्ट द पैलस्तिनियन पीपल एंड

तो हम क्या हैं हम हैं आपकी जो अभी पोस्ट थी क्वेश्चन वाली उस पर मुझे लोगों ने इतनी गाली दी है इसीलिए मैं, आगे आगे <laughs> मैं, मैं, इस मैं सुन लू नहीं मेरा सब्जेक्ट ही और मेरा सब्जेक्ट ये था ही नहीं कि क्या चल रहा है मेरा तो ये था यार मुफ्ती तारिक मसूद जो कराची से ऑपरेट करते हैं उन्होंने क्या कहा इस पे हिटलर ने कहा था कि मैंने सारे जूस मार दिए कुछ इसलिए छोड़े ताकि आपको दिखाऊंगे क्यों मारे तो अगर वो काश वो सारे ही मार देता तो ये ना होता ये टेक देनी है आपने अगर तो ठीक है अच्छा जो मुफ्ती तारिक मसूद आप नाजी जर्मनी में जाते और यही सरमनाइज करते देखते आपको हिटलर क्या करता हम तो ब्रिटेंड करते हैं हिटलर मुसलमानों मुसल्... <laughs> <laughs> पैलेस्टाइन के लोग बोल रहे हैं कि जो दुनिया भर में ये हमारा नाम इस्तेमाल करके के लॉल जूस और इस तरह की बातें कर करता है वो दुश्मन है हमारी, हमारी कॉज काज का। का। exactly. आप डिफीट करते हैं वो लोग हैं जो सत्तर अस्सी साल अपने मुल्क के लिए लड़े हैं मरे हैं क्रिश्चियंस के साथ मुसलमान उनके आप एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को

मारा, मारा। वो जो ब्रिटिश मिलिट्री कनेक्शन बना जब ब्रिटिश गई उन्होंने अपनी सारी जो भी इनको दे दी इनको देकर गए थे था। पीपल में। इस सब हिस्ट्री को आप छोड़ कर क्योंकि आपको अपना यहूदी एजेंट वाले यहूदी लॉबी वाले घटिया एजेंडा बेचना है या आपने वीडियो बनानी आप उनका कॉज भी बर्बाद कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं खड़े हुए आप भले उनका झंडा इस्तेमाल करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। हमने तो जया साहब भेजे थे ना वहाँ पे उनको ख़त्म करने के लिए बताओ यार और वहाँ से कोर्ट मार्शल रेकमेंड हुआ था उनका यहाँ आके जर्नल बना दिया उनको उन्होंने भुट्टो को लटका दिया <laughs> ये वैसे पाकिस्तान की बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है बर्मा में अयूब खान के बाद क्या रिकमेंडेशन आई थी ब्लैक सेप्टेम्बर में साहब ने मेरा ख्याल कहा था कि फ्राम दॉरिडोर्स ऑफ पावर तो सो या एंड प्लस इट्स फाइन अगर हमारी कोई वीडियो जिसमें हम डिसग्री करते हैं हम भाई है, हमें लड़ाने की आप लोग कोशिशें ना करें एंड आई थिंक सर्टन थिंग्स पीपल मिसकनस्ट्रू मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के नाम ना लूँ बट हमारे तो ग्रुप हम रोज बात करते हैं आपको भी पता है कि कौन वो लोग हैं जो हम जिनको अटेंशन नहीं देना चाहते एग्जैक्टली exactly. समटाइम्स so, मैं कॉर्डिड वर्ड्स में बात करता हूँ कि जो ये कर रहा है वो जिनका धंधा ही हमारे पे चल रहा होता है लेकिन सो वी नो हु हु दे आर आर बट आई थिंक सर्टेन टाइम्स पीपल पीपल देयर अदर नॉट बिल्कुल और ये देखना ये अल्टीमेट चीज़ जो सुन रहे हैं उनके लिए भी यही है आई एम नॉट एन अल्टीमेट अथॉरिटी नाइदर यू आर नाइदर एनीवन इज अगर कोई ये समझता है ना कि इसने जो कह दिया अब इस पे मैंने यकीन करना है इट इज़ बीइंग सेड फॉर यू टू इन्वेस्टिगेट एंड थिंक फॉर योरसेल्फ इन द एंड अगर आपने ये सैयद मुजम्मिल ने या शहजाद ग्यास ने एक बात कर दी है उस पर ईमान लेके आना है फिर तो आप कल्ट फॉलोअर ही हैं ना हमारे उट एज वेल डबल चेक यू डॉट मी सोटली फाइन बट ये कहना कि जी मैं एम्पताइज ही नहीं करता इसका मतलब ये है कि मैंने वो नहीं किया बहुत से लोग इस तरह समझ रहे हैं ये और cause. ये बहुत एक अनहेल्दी तरीका है कि आप सिर्फ उनको सुने उनके साथ बैठें जिनसे exactly, आपके हंड्रेड परसेंट अग्रीमेंट है फटे करते रहते हैं तमकीन हमारा रूम मंडे होते हैं सो ऑल द फ्रीकुंट गेस्ट एन आई मरियम शफकतें हम इतना डिसग्री करते हैं डिसग्री ऑन सो मैनी थिंग्स बट वी रिमेन फ्रेंड्स अदील भाई आए थे उनसे मैंने दो तीन चीज़ों पर डिसग्री किया बट अदील भाई हो गए तमकीनात मुजम्मिल आफ्ताब सईद आप तो देखे ना ये पीटीआई नून लीग की डिबेट में जिस तरह से लोगों ने एक दूसरे को मारा है तो कारोबार खत्म किए हुए मैं, मैंने देखा है लोग बिजनेस पार्टनर ने खत्म कर दिया की ये जी खान के खिलाफ बोल रहा है ये नवाज के खिलाफ है लड़ाइयाँ फैमिल उस लेवल तक अगर आपने जाना है आपकी मर्जी है फिर लेकिन बाद में वो शायद इकट्ठे हो जाएं आप अलग बैठे होंगे मुंह देख रहे होंगे किसी ने एक वीडियो बनाई हुई थी कि वो किसी रेस्टोरेंट में गई आई गॉट कहाँ यूरोप शोरोप में शायद कहीं था उसमें सिर्फ इमरान खान की तस्वीरें थी और टेबल क्लॉथ पीटीआई का झंडा था उसने आगे बोला वॉट एम नवाज शरीफ सपोर्टर उसने बोला गेट आउट रेस्टोरेंट यार वो बिजनेस अपना सैक्रीफाइस कर रहा है आप कुछ रिसर्च करके वीडियो बना लें हमने रोक exactly कर हम हम उन लोगों में सुन नहीं है कि हम स्टेट पेटर लेके टी वी पर आ रहे हैं या हमें कोई वो या yeah, जो हमारे खिलाफ बात करें उसको ठोवा दें <laughs> हम उसी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं जिससे आपके आप पास अगर ये आप वीडियो बना सकते हैं बनाए हमने आज तक किसी को नहीं रोका न किसी को हमने मना किया है पढ़ें देखें सुने एंड uh, हमें इजाज़त दें थैंक यू सो मच। थैंक्स मचो थैंक यू थैंक यू टेक केयर बाय बाय